क्या इंडिया में पब्लिक किसिंग लीगल है इफ किसिंग योर पार्टनर पैशनेटली इट इज नॉट लीगल अगर पुलिस मुझे पकड़ती है या किसी भी इंसान को पकड़ती है क्या उनके पास राइट है कि वो बोलें कि आपके माँ बाप को फ़ोन करो या गार्जियन को फ़ोन करो उनके पास बिल्कुल भी राइट नहीं है इफ़ यू हैव अटेन द मेजोरिटी एज और कोई पुलिस ऑफिसर आपको बोलता है आगे कि यार आप अपने माँ बाप से बात कराओ तो उनको बिल्कुल भी लीगल राइट नहीं है, ऐसे करने का कार में करना इलीगल है? करोगे, करोगे तो पकड़े जाओगे और तीन महीने की जेल है पुलिस मारती तो को काफी हरास किया जाता है। अगर आप लीगली अपना आधार कार्ड या अपनी कोई भी आई डी आपने कमरा लिया है पेमेंट करे तो कोई भी पुलिस वाला आके रेड के नाम पे ये चीज नहीं बोल सकता कि भैया आप थाने चलो आप गलत काम लिव इन में रहना क्या इलीगल है बिल्कुल इलीगल नहीं है यार क्या इंडिया में वैलेंटाइन्स डे आ रहा है और ये हर सिंगल इंसान एंड हर कपल के लिए इम्पॉर्टेंट एपिसोड है हर साल हम वैलेंटाइन पे कुछ डिफरेंट करने की कोशिश करते हैं तो इस साल भी हमने किया है तो हमने ये एपिसोड प्यार पे नहीं बनाया बट प्यार के अराउंड सारे लॉज जो इस कंट्री में है उस पर बनाया आपको और मुझे क्या क्या जानना चाहिए रिगार्डिंग क्या हम पब्लिकली किसी को हक कर सकते हैं किसी के साथ रिलेशनशिप रख सकते हैं क्या पब्लिक में हम किसी मिल सकते हैं अगर हम होटल रूम बुक कर रहे हैं रिलेशनशिप में होने के बाद मैरिड होने के बाद अनमैरिड होने के बाद तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए कौन सी ऐसी चीज़ें जिसमें पुलिस हमें परेशान कर सकती है कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती कौन से ऐसे लॉज हैं जो आपको ध्यान रखने चाहिए और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो और वो आपका राइट है और कोई भी इंडिया में आपको रोक नहीं सकता रिलेटेड टू लव पी एंड एवरी अराउंड हैविंग अ रिलेशनशिप विद पीपल आज का एपिसोड है आशीष भाई के साथ जिनको सब जानते हैं लीगल बाबा के नाम से उन्होंने हमें बताया कि अगर आपको पुलिस रोकती है जब आप आपके पार्टनर के साथ हो तो क्या वो आपके पेरेंट्स को फ़ोन कर सकती है क्या वो आपको हरास कर सकती है क्या आपसे क्वेश्चन कर सकती है क्या आपको लॉकअप ले जा सकती है हाँ या ना और कब कब किस किस पॉइंट पे तुम्हें कोई भी इंडिया में रोक सकता है या मना कर सकता है अपने राइट्स को लेकर वो सब आपको इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बिफोर यू स्टार्ट द शो राजमानी क्लिप्स और राज शॉर्ट चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस बड़े एपिसोड में जो छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लॉज़ है ना उसको रिमाइंडर के जैसे छोटे समय में हम आपको उन चैनल्स पे दिखाते हैं ताकि आप एक बेहतर और मोर जागरूक सिटीज़न बन सको इंडिया के एंजॉय द शो ये एपिसोड जो है ये है वैलेंटाइंस डे स्पेशल तो मैं ये चाहता हूँ कि सारे कपल्स और इनफैक्ट सारे सिंगल लोग भी सबको इंडिया में क्या लॉज हैं राउंड डेटिंग मैरिंग किसिंग पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन बहुत सारी जैसी चीज़ें सब चीज़ों के बारे में क्या लॉज हैं उनके बारे में मुझे आपसे बात करनी है सो आई लास्क यू क्वेश्चन एंड फिर आप बताओ हम क्या सोचते हैं सही क्या गलत सोचते हैं इसी के बारे में चलाएँगे एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर सर द्लेजर इज ऑल माइन थैंक यू फॉर है जो एक बात बता है एक्चुअली आपको बहुत लोग जानते होंगे ऑलरेडी 90 परसेंट ऑफ मेरी ऑडियंस जो देखी वो जानती होगी आप इतने वायरल हो चुके हो इंटरनेट पे। पर अवेयरनेस है कि मैं आपको फॉलो करता हूँ बहुत पहले से जब आपके शायद तीन लाख चार लाख फॉलोअर्स होंगे मुझे बड़ा मज़ा आता है हर थोड़े दिन में देखने में कुछ ना कुछ मैंने टोल टैक्स पे क्या करते हैं वो आपसे सीखा है मैंने पुलिस पकड़ ले कर अब तो क्या करते हैं ये सीखा है कंज्यूमर बिल्स में क्या है तो मैंने इतनी सारी चीज़ें सीखी है सो तो थैंक यू सो मच फॉर क्रिएटिंग द कॉन्टेंट दैट यू क्रिएटिंग नहीं यार थैंक यू सो मच कि इवन यू नो आई अप्रिशिएट एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल कि आपने यू नो यू बिन फॉलोइंग मी सिंस सो लॉन्ग एंड इट फील सो गुड टू लिसन दैट की वही राजॉलो अरे परफेक्ट तो ये मुझे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट विच ज जब हम सर्च कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा सर्चेबल लाइक कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन क्या है लोगों को रिगार्डिंग ऑल ऑफ दिस साइड मोस्ट आस्ट क्वेश्चन ऑन गूगल इज क्या इंडिया में पब्लिक में किस करना लीगल है कि नहीं ये मसाले वाले क्वेश्चन सबको पसंद आते हैं <laughs> ये मोस्ट अच्छी क्वेश्चन है कुछ ढंग की बात कर दो ना कोई मतलब इतना बातें भी करेंट वे <laughs> <नहीं, नहीं, नहीं। laughs> बट दीज क्वेश्चन बट इट इज सॉर्ट ऑफ इम्पोर्टेंट जितना हमारी अब कल्चर ना बहुत ओपन होते जा रहे हैं हम लोग hmm. पहले इंडिया में कभी डेटिंग कल्चर नहीं था इंडिया में कभी ऐसा नहीं था कि आप गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड बना के बहुत ओपनली घूमते हो ये नाउ इट्स मूविंग ऑन इट्स इट्स राइट और रॉन्ग लेट द वर्ल्ड डिसाइड बट आई थिंक It's pretty good that सब एक दूसरे को एक कर रहे हैं openly. Hmm. So that's why this question was, कि क्या इंडिया में किसिंग लीगल है? देखो यार ना एक तरह से लीगल भी है और इलीगल भी है बट दैट डिपेंड्स कि किस तरह से पप्पी कर रहे हो आप किस कर रहे हो। मतलब <laughs> <laughs> मतलब अगर इफ इफर किसिंग योर पार्टनर कंपैशनेटली मतलब बड़े मतलब उस स्टाइल से कर रहे हो कि पैशनेटली हो गया आप जिसको हम uh, क्या स्मूच uh, भी बोलते हैं इस तरह से आप इफ यू आर किसिंग योर पार्टनर इन पब्लिक प्लेस एंड इट इज क्रिएटिंग अ नॉयस पब्लिक में hmm. तो इट्स ऑब्वियसली नॉट इ लीगल अंडर सेक्शन टू नाइन्टी फोर आई पी सी इंडियन पिनल कोड बट अगर आप इट इज़ नॉट लीगल या या इट इज़ नॉट लीगल ओके बट अगर आप नॉर्मल जैसे अपनी एनर्जीज पास कर रहे हो या यू you नो know, अपने ग्रीटिंग्स कर रहे हो पार्टनर से मिल रहे हो जस्ट किसिंग इट एक मतलब इतना प्यार से ज़रा केस किया ज़्यादा नहीं किया और कम्पैशनेटली नहीं किया देन इट इज़ लीगल यार इसमें कोई वो नहीं है इलीगल चीज़ नहीं है सो so, मतलब मैं पब्लिक में अगर मेरे पार्टनर के साथ हूँ सो आई कैन गिव हर अ पैक आई कैन गिव हर हाँ मैं हक कर सकता हूँ हाथ पकड़ सकता हूँ बिल्कुल सब बिल्कुल, कर सकता हूँ और इसमें कोई इलीगल चीज़ है। नहीं है तो बट बहुत बार इसको मिस किया जाता है राइट एंड तीन महीने के शायद इम्प्रिजनमेंट इस पर क्या है right, like, right, what, right. What yeah, तीन, तीन महीने की दैट इफ आई डू इफ आई किस इन पब्लिक मैं अगर पब्लिक में किस करता हूँ तो दूसरे लोग मुझे देखें और उनको अगर अब नॉर्मल लगता है या उन्हें अनॉय होता है वो कंप्लेंट करें तब जाके मेरे ऊपर केस होगा कि नहीं ऐसे भी हो सकता है एंड पुलिस के इन कमेंट स्टॉप में कि भाई दूसरे ने किसी कंप्लेंट नहीं करी तो भी सिर्फ पुलिस को भी लगे कि आप अगर न्यूसेंस क्रिएट करें तो कैन दे ऑल्सो कमेंट हो हाँ देखिए दोनों चीज़ में हो सकता है कि एंड इट किल्सो डिपेंड्स अपॉन क्या कौन सा क्राउड है आपके पास फॉर एग्जाम्पल अगर हम मुंबई में इफ़ इट्स इट इज़ अ मेट्री मेट्रीपोरियल सिटी तो वहाँ पर बड़ा नॉर्मल है ये चीज़ अगर अगर आप कोई टू टेयर या थ्री टेयर सिटी में हो वहाँ पे इट इज़ नॉट सो नॉर्मल अगर आप वहाँ पे पब्लिक प्लेस में कर रहे हो तो पीपल आर ऑब्वियसली गोइंग टू तो गेट अफेंडेड बट मुंबई में क्या है अगर आप नॉर्मल ग्रीट किस कर रहे हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर कोई आस पास भी कर देता है तो भी आप जाके यार एक छोटा सा सॉरी बोल दो उसमें कुछ नहीं है बट आई अग्री कई बार ऐसा होता है पुलिस जो ऑफिशियल होते हैं वो परेशान करते हैं इवन इफ़ दे वांट ब्राइब ऐसे केसेस भी बड़े आए हैं जहाँ पर कंप्लेंट्स भी आई हैं काफ़ी कि पुलिस वालों ने हमें परेशान किया एंड दे वर आस्किंग फॉर ब्राइब हमने तो सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ था या वी वर जस्ट हाकिंग ईच अदर्स तो uh, इस केस में यही है कि यार अगर आपको पुलिस पकड़ लेती है जन जस्ट आज दैट ऑफिशियल कि आपका क्या राइट है यार आप किस किस बिहाफ पे पकड़ रहे हो हमें हमने क्या किया है ऐसा अगर तो वो जवाब दे देते हैं कि हाँ आपने नहीं किया आपने ये है ये है तो एक पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर आएंगे 294 नाइन्टी फोर आई पी सी को ही पकड़ेंगे ये लोग और बोलेंगे आप ऑफ एक्टिविटी कर रहे हो जी अश्लील हरकत कर रहे हो पब्लिक प्लेस में इसलिए हमने आपको पकड़ा है तो आप उनसे पूछिए कि यार ये अश्लील हरकत है या नहीं है इफ़ इट कम्स इन टू दैट पैरामीटर कि मैंने किस किया है या मैंने कोई अफेक्शन दिखाया है विच इज़ यू नो आउट ऑफ आउट ऑफ द आउट ऑफ आउट ऑफ द कंट्रोल और पब्लिक अनॉय हो रही है आसपास नहीं हो रही है दीज थिंग्स मैटर्स अ लॉट अगर ये कल को बोलते आप अपने मदर फादर को बुलाओ ये बुलाओ बोलो यार आप आपको जो करना करिए वी आर अडल्ट एंड हमने कुछ ऐसी बात कोई आपसीन अश्लील हरकत करी नहीं हमने पब्लिक प्लेस पे इवन ज़्यादा परेशान करते हैं तो आप क्या करिए यू कैन जस्ट फाइल अ कंप्लेंट इन पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी होती है हर स्टेट की तो वहाँ पे यू कैन फाइल अ कंप्लेंट इनके सीनियर ऑफिसर्स को भी आप कंप्लेंट कर सकते हो अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो नो टू क्वेश्चन ऑन दैट वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने जो बोला सो so, एक क्वेश्चन है आपने जो बोला कि आप पुलिस को बोल सकते हो कि आप किस बेसिस पे मुझे लथे आप मुझे पकड़ रहे हो क्या मैंने अशलील हरकत करी है नहीं करी उसके बहुत सारे न्यू हैं वो सब होना चाहिए अगर पुलिस मुझे पकड़ती है या किसी भी इंसान को पकड़ती है क्या उनके पास राइट है कि वो बोलें कि आपके माँ बाप को फ़ोन करो या गार्जियन को फ़ोन करो बिल्कुल यार उनके पास बिल्कुल भी राइट नहीं है इफ़ यू हैव अटेन द मेजोरिटी एज अगर लड़का और लड़की ने यू नो एटीन प्लस एटीन प्लस है अट्ठारह साल से ऊपर है और कोई पुलिस ऑफिसर आपको बोलता है आगे कि यार आप अपने माँ बाप से बात कराओ तो उनको बिल्कुल भी लीगल राइट नहीं है ऐसे करने का तो मना कर सकते हाँ मना कर सकते हो बोलो आपको जो बोलना हमसे बोलो जी हम मेजर हैं यहाँ पर एंड वी आर लीगली अप्रोप्रिएट टू हैंडल आर केसेस एंड क्या पुलिस आपको पकड़ के उसी टाइम पे पुलिस स्टेशन ले जा सकती है देखिए पुलिस स्टेशन ले जाना जेल में बंद करना टू डिफरेंट थिंग्स पुलिस स्टेशन okay. ले जा कर कुछ यू you नो know, आपको हैरस कर रही है परेशान कर रही है अननेसरी तो उसके भी यू you नो know, उसके भी रेमिडीज़ हैं तो अगर पुलिस स्टेशन आपको ले जाती है तो आप एक पर्टिकुलर रेमेडी पकड़ो उनके सीनियर ऑफिसर को ऑफिशियल को एक रिटर्न कंप्लेंट डाल दो आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन होने लग गया है अपना फ़ोन पकड़ो एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट डाल दो फिर देखो कैसे उनके ऊपर बात आती है तो आपको कैसे हाथ जोड़ के छोड़ के आते हैं करते हैं ऐसा बिल्कुल करते हैं जी बिल्कुल जी, करते मैंने करते एक मूवी देखी थी ऐश्वर्या राय और इरफान खान थे उनमें अच्छा आई डोंट रिमेंबर मूवी का नाम क्या था एग्जैक्टली बट उस मूवी में एक सीन आता है जहाँ पे इरफान खान एक पुलिस ऑफिसर रहते हैं राइट तो वो एक रैंडम इंसान को चलते हुए कार में पकड़ लेते हैं किसी रीज़न से शायद उनको उस पर शक होता है कुछ तो वो बोलता है कि मैं नहीं आपसे बात करूँगा आप मेरे लॉयर से बात करो आप मुझे मैं नॉर्मल नागरिक हूँ आप मुझे पकड़ नहीं सकते ऐसे जब तक वॉरेंट दिखाओ राइट तो ऐसे इरफान खान उसमें पुलिस रहते हैं और ऐसे कांच से निकालते हैं अमेरिका समझाए फट चाटा मारता है उसको निकाल देते हैं बोले चल बुला तेरे लॉयर को एंड देन वो पकड़ के ले जाते हैं yeah. राइट right? तो जब मूवीज़ में सब देखते हो दिस इज़ ये एक नॉर्मल फेयर होता है हर सिटीज़न के इसमें कि मे बी जितने लॉ स्ट्रिक्ट हैं अमेरिका में उतने mm -hmm. इंडिया में नहीं है मुझे रियलिटी में नहीं पता कैसा होता है बिकॉज मेरे साथ कभी यह सिचुएशन हुई नहीं mm -hmm. मुझे सिर्फ ये पता है कि मूवीज़ में जो दिखाते हैं हाउ यू सी अमेरिकन मूवीज़ में और इंडियन मूवीज़ में कि अमेरिका में लोग बड़े से बड़ा क्राइम भी करते हैं वो पुलिस स्टेशन में भी बैठे होते हैं तो पुलिस उनको मार नहीं सकती बदतमीजी नहीं करती जब तक तो उनका लॉयर नहीं आता होता वो क्वेश्चन भी आंसर नहीं करते राइट right? इंडिया में कैसा होता है यूजुअली जब उनको पकड़ना होता है तो हमेशा मूवीज़ में ये दिखाते हैं कि पकड़ा अंदर डाल दिया और मारना चालू तो डू यू थिंक इंडिया में जैसे आपने बोला कि रेमेडीज़ है सीनियर को कंप्लेन कर दी या हम पुलिस से क्वेश्चन करें कि आप मुझे जब तक मैंने कोई एग्जैक्टली exactly टू के टू नाइन्टी के तहत अगर मैंने कुछ किया नहीं है तो आप मुझे पकड़ नहीं सकते हो आप मेरे माँ बाप से बात नहीं कर सकते हो अगर हम लोग ये पुलिस को बोलेंगे तो डू यू थिंक ये पुलिस सुनेगी जैसे अमेरिका में सुनती है यार देखिए हर चीज़ का ना एक तरीका होता है अब अपने लॉ के प्रोसीजर्स में भी तरीके हैं और अगर आप एक प्रोसीजरल चीज़ से चलोगे अगर आप एक तरीके से चलोगे तो पुलिस वाले कभी भी मिसयूज़ नहीं करेंगे अपना लॉ फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको परेशान कर रहा है ऑलवेज कंसल्ट योर एडवोकेट यार जो भी अपना लॉयर फ्रेंड है कोई एडवोकेट है उससे प्लीज़ कंसल्ट करो थाने में बुलाया जा रहा है पुलिस स्टेशन में बुलाया जा रहा है डोंट गो डायरेक्टली सबसे पहले कंसल्ट करो कि भैया ये सारी बातें हुई हैं मुझे क्या करना चाहिए मुझे कैसे जाना चाहिए आपको अपने वकील के साथ जाना है उनके साथ जाइए वो आपको पता लग जाएगा कि आपको किस डायरेक्शन में क्या करना है आपको थाने जाना है या नहीं जाना बट ऑलवेज हैव अ यू नो कंसल्टिंग फ्रेंड या फिर कोई एडवोकेट फ्रेंड आपका होना ही चाहिए मतलब लॉयर लॉयर बिकॉज़ आई हैव सीन इन दिस कंट्री यार पीपल आर एक्सप्लॉइटिंग देयर पावर्स एंड यू नो मिसयूजिंग देम एंड जस्ट टू क्रिएट हैरसमेंट इन अदर पीपल्स लाइफ डू थिंक कार में मेकआउट करना इलीगल है कैन पीपल डू दैट क्योंकि अब तो पब्लिक में नहीं हो आप अब सीन नहीं हो रहा है कुछ भी किसी को आप अगर किस कर रहे हो या अपने पार्टनर के साथ इंटरमेट हो रहे हो कार में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्योंकि आप कहीं यूजली आप किसी कोने में पार्किंग लॉट में होते हो या ये लोग बहुत सारे हाईवे दिल्ली में देखें लोग हाईवेज़ पर खड़े हो जाते हैं बहुत सारे लोग राइट सो वेरेवर अगर कोई अपनी कार में अपने पार्टनर के साथ है डू थिंक वहाँ मेक मेकआउट करना इज़ इलीगल या yeah, बिल्कुल अब ये ना वी हैव टू डिफाइन इट वेरी क्लियरली कि कार के अंदर है तो कार कहाँ खड़ी है इफ़ देखिए जो हमारा कानून है वो यही कहता है कि आप कोई भी अश्लील हरकत मत करो डोंट डू एनी ऑफ सीन एक्टिविटी इन पब्लिक प्लेस अब आपकी गाड़ी है फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो गाड़ी के अंदर और गाड़ी खड़ी है किसी पब्लिक प्लेस में जैसे आपने बोला हाईवे पे लोग खड़े करके दे स्टार्ट डूइंग मेकआउट तो दिस थिंग इज लीगल बिकॉज ये तो कंसिडर ही करा जाएगा ना आप पब्लिक प्लेस में हो बिकॉज आपकी गाड़ी पब्लिक प्लेस में खड़ी है तो ये इीगल है ये बिल्कुल इ <coughs> लीगल है लेकिन अगर आपकी गाड़ी आपके किसी प्राइवेट घर में खड़ी है गैरेज में खड़ी है प्राइवेट है आपका एरिया स्पेस आपका है तो वो इलीगल नहीं माना जाएगा तो वो तो आपका प्राइवेट प्लेस हो गया लेकिन हाईवे पे खड़ी है हाईवे इज़ अ पब्लिक प्लेस आपकी गाड़ी खड़ी है ट्रक खड़ा है हेलीकॉप्टर हली, खड़ा है जो मर्ज़ी खड़ा है वो मेकअप करो मेकआउट करोगे और सीन एक्टिविटी करोगे तो पकड़े जाओगे और तीन महीने की जेल है दिस आई डिट नो दिस मुझे पता था कि इलीगल है बट आई डिट नो कि वो पब्लिक प्लेस है और hmm. डेफिनेशन नॉर्मल सिटीजन के लिए क्या होती है कि जहाँ पे बहुत लोग हों हाँ बट एनी पब्लिक प्रॉपर्टी बिकॉज ये बहुत मीम कॉमन चलता है स्मोकिंग पब्लिक प्लेस पे इलीगल है लीगल है इलीगल है यार हमारे हिंदुस्तान में तो इलीगल है बट वो तो करते रहते हैं वहाँ पर है, कोई किसी को ही नहीं बोलता है आपने की किसिंग इन पब्लिक इज़ इलीगल बट स्मोकिंग इन पब्लिक इज़ नॉट इलीगल किसिंग इन पब्लिक इज़ दो लोग अपने आप में बिजी हैं वो किसी को प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे लेकिन तो भी लोगों को उनसे प्रॉब्लम है और उनको जेल yeah. हो सकती है लेकिन जो स्मोक कर रहा है और वहाँ आस पास पंद्रह लोगों को हेल्थ भी उनकी ख़राब हो रही है और वो बहुत चीज़ें खराब हो रही है स्टिल उसको जेल नहीं होती यार पता है क्या डिफरेंस अब ऐसे आ जाता है लोगों की थिंकिंग में लोगों को पता लग गया है स्मोकिंग इज़ इलीगल इन पब्लिक प्लेस बट उसके कॉन्सिक्वेंस क्या है दो सौ रुपये का चलान है सौ रुपये का चलान है कहीं कई जगहों पर तो अगर आप पब्लिक प्लेस में इफ यू आर मेकिंग आउट इफ यू आर क्रिएटिंग ऑफ सीन एक्टिविटी उसके लिए जेल है तीन महीने की तो ये थिंकिंग वहाँ पे डाइवर्ट हो जाती है अब कई लोगों को पता है हाँ स्मोकिंग इलीगल है फिर भी कर रहे हैं चलो यार कोई आया पकड़े गए तो पचास सौ रुपये देके के चलान दे के, छूट जाएंगे तो ये थिंकिंग का डिफरेंस आ रहा था लोगों के बीच में एंड अगर कोई पब्लिक में स्मोक कर रहा है

got it okay uh, apart from this quick question holding hands is illegal no in public holding hands is not illegal yeah obviously it is not creating any annoyance to the public it is hmm. It is not an obscene activity and it doesn't come under the purview of pda so uh, holding hands hugging each other is not illegal yeah it's not nah, at it's all. legal it's legal okay you know ये तो हो गई हमने बात करी पुलिस और लीगालिटी के हिसाब से हैव यू हर्ड इसके बारे में सुना एंटी रोमियो स्क्वाड्स हाँ क्या होता है एंटी रोमियो स्क्वाड्स थोड़ा बताओगे सबको सर देखिए एंटी रोमियो स्क्ॉड यही है कि यार जो एक सभ्यता चलती हुई आ रही है हमारी ये लोग एक यू you नो know, एक ग्रुप है कि अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता को मन, मतलब कायम रखना है और वेस्टर्न कल्चर को वेलकम नहीं करना है इन्होंने तो ये इसी के बारे में मुहिम है और इसी के बारे में यू नो अगर फॉर एग्जांपल आप कपल बैठे हो पब्लिक प्लेस में तो दे वोंट अलाउ यू टू यू यू नो नो सिट टुगेदर एंड हग होल्ड हैंड्स नॉर्मल चीज़ें भी नहीं करने देंगे आपको यू नो आई रिमेंबर कि व्हेन आई वाज इन स्कूल मैं स्कूल में था उस टाइम पे अनाम फ्रॉम इंदौर अच्छा तो इंदौर तो में था मैं प्रॉब्ली ये टीअर टू टीअर थ्री सिटीज़ में ज़्यादा होता है देन टीअर वन सिटीज़ बट उस टाइम पे अगर मैं स्कूल में था मेरे सीनियर्स एक ही बस में जाते थे तो वो लोग ऐसी बातें करते थे एंड दैट थोड़ा हट अव नेवर एक्सपीरियंस कि अगर आप वैलेंटाइंस डे पे अपने पार्टनर के साथ बाहर जा रहे हो या पब्लिक प्लेस से बैठे हो और आप सिर्फ एक बाइक पे भी घूम रहे हो या hmm. आपने हाथ पकड़ के मॉल में भी घूम रहे हो तो ऐसे एंटी रोमियो जो स्क्वाड्स होते हैं वो आते हैं और आपको बहुत मारते हैं या अलग कर देते हैं सो हाउ कैन कपल्स प्रोटेक्ट दैम सेल्व फ्राम एंटी रोमियो स्क्वाड्स <clears throat> जो आपने बोला कि अगर hmm. लॉ के अकॉर्डिंग ये लीगल है कि आप किसी आप किसी भी इंसान के साथ वेदर एन पर्सन ऑफ एनी जेंडर कैन हैंग आउट विथ पर्सन ऑफ एनी जेंडर विथ एंड डजन मैटर वेदर दे आर होल्डिंग हैंड्स हागिंग ईच अदर कुछ भी कर रहे हैं किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए लॉ के अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लमैटिक नहीं है बट ये जो एंटी रोमियो स्क्वाड है उसके अकॉर्डिंग ये प्रॉब्लमेटिक है उनके अपने रीजन्स हैं वो राइट है रॉन्ग है वो लेट दैम डिसट द पब्लिक डिसाइड बट अगर कोई लीगल इन लीगल एक्टिविटी नहीं कर रहा है तो वो अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट दीज मॉरल पुलिसिंग स्क्वाड्स यस देखिए वैलेंटाइंस का समय चल रहा है ठीक है अब कोई कपल बाहर निकलता है ब, ब, मतलब दे वॉन्ट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर बट uh, जैसे कि आपने बताया कोई एंटी रोमियो स्कॉड आता है उनको मारता पीटता है तो यार मैं इसका यही सोल्यूशन दूंगा आजकल फ़ोन सबके पास होता है राइट अपना फ़ोन निकालिए कोई भी ऐसी हादसा हो रहा है कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है जस्ट रिकॉर्ड देम

कोई भी ऐसा एविडेंस ढूंढिए, कोई भी ऐसा विटनेस ढूंढिए, कोई भी ऐसी चीज़ बनाइए कि हाँ जिससे कि लगे कि यू हैव क्रिएटेड अ वैलिड एविडेंस कि इन्होंने आपको मारा है मारा है तो आप जल्दी से सरकारी हॉस्पिटल जाइए अपना मेडिकल करवा लीजिए फटाफट और उसके बाद सीधा पुलिस कंप्लेंट करिए कि ऐसे एक्स वाई जी लोग आए थे अपने को यहाँ के बता रहे थे इन्होंने हमें मारा पीटा है अब कई बार केसेस ऐसे होते हैं यार पुलिस ही एक्शन नहीं लेती लॉट ऑफ टाइम हाँ अ लॉट ऑफ टाइम पुलिस आपको बोल देगी चलो ठीक है हम करते हैं अपना काम करते हैं आप कंप्लेंट लिखवा दो मैं वही चीज़ आपको बता रहा था हर चीज़ का ना एक तरीका होता है अगर आप तरीके से कम्प्लेंट लिखवाओगे फॉर एग्जाम्पल इस इंस्टेंस में आपने क्या करना है आपने एक रिटर्न में कम्प्लेंट लिखनी है कि मैं इस समय इत, इस टाइम पे इसके साथ था और मेरे साथ ये सारी चीज़ें हुई और जिसकी मैं सूचना आपको दे रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि यू टेक एक्शन एज सुन एज़ पॉसिबल इस चीज़ पर और मुझे रिजल्ट चाहिए भाई इस पर मुझे गिरफ्तार चाहिए लोग और मुझे एक एफ भी दर्ज करवा के दो बिकॉज इट्स अ कॉग्निजेबल ऑफेंस तो अगर आप लिखित में कंप्लेंट देते हो पुलिस स्टेशन में और उनसे क्या करना है आपने एक रिसीविंग ले लेनी है अपनी एक कंप्लेंट बनाई आपने फोटो कॉपी कराई मेन कंप्लेंट दे दो फोटो कॉपी पर आप रिसीविंग ले लो कि हाँ इन्होंने एक कंप्लेंट हमसे ले ली है उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर खुद प्रेशर क्रिएट हो जाता है अगर आप तरीके से एक कंप्लेंट दोगे तो उनको रिवर्ट करना ही करना है अदरवाइज अगर वो एक या दो दिन में इन्वेस्टिगेशन नहीं करते अपनी इस चीज़ को नहीं सॉल्व करते तो जो रिसीविंग ली हुई है ना अपने कंप्लेंट पे आप वो रिसीविंग उठाकर सुपरिनटेंडेंट ऑफ पुलिस या किसी हायर ऑफिशियल को दे सकते हो कि भैया हमने तो इस समय पे इतनी कम ये कंप्लेंट लिखवाई थी हमारे साथ ये सारी चीज़ हुई है मेडिकल ये रखा है प्रूफ ये रखा है ये एक्शन क्यों नहीं ले रहे अभी तक अगर वो एक्शन नहीं ले रहे तो हम आपके पास आए हैं जी आप इस पर एक्शन लीजिए और इनको डायरेक्शन दीजिए कि जल्दी से एफ फाइल हो और इन लोगों को पकड़ा जाए इन्होंने हमारे साथ ये किया है अब क्या होता है बहुत बार ये होता है कि भैया आप हायर ऑफिशियल्स के पास भी चले गए वो भी एक्शंस नहीं ले रहे वो भी एक्शन नहीं लेते हैं। वो कहते चलो आने दो कंप्लेंट कई बार ऐसा होता है या yeah. तो उसके बाद रेमेडी आती है कोर्ट की आप अगर उस मामले को कोर्ट में लेके जाएंगे ना अब एक प्रोसीजर होता है सेक्शन वन सब सेक्शन सबसेक्शन थ्री क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का एक एप्लीकेशन लगती है एक कंप्लेंट लगती है कोर्ट में कि हम पुलिस ऑफिसर के पास गए कुछ नहीं हुआ हमारा हम हायर ऑफिशियल के पास गए कुछ नहीं हुआ हमारा अब हम थक हार के आपके पास आए हैं जी हमें जस्टिस दे दो हमें न्याय दे दो इन लोगों को पकड़वाओ तो ये इस तरीके से चलोगे ना तो कोर्ट क्या करेगी कोर्ट अपने आप आड़े लेगी पुलिस वालों को बोलेगी भैया अपना काम क्यों नहीं कर रहे काम करो रिपोर्ट ला कोर्ट में जमा करो और पुलिस वालों को डंडा चढ़ाएगी खुद डायरेक्शन देंगी कि हाँ मुझे सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए को सारी रिपोर्ट रहनी चाहिए कि क्या हुआ कब तक इसमें कन्वेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा क्या है क्या नहीं है ओके क्विक क्वेश्चन कमिंग बैक टू दैलेंटाइंस डे राइट क्वेश्चन इंडिया में प्री मैरिटल सेक्स इज इट लीगल कि उसमें कुछ कंसेंट या एज को लेकर रेस्ट्रिक्शन है कि मैरिज के बाद ही यू कैन गेट इन टू सेक्शुअल रिलेशनशिप विद समन इसके अराउंड कुछ लॉ है कि नहीं तुम यार, ऐसा कुछ लॉ नहीं है इफ़ यू हैव अटेन द मेजोरिटी एज 18 साल के हो और यू uh, नो you know, जैसे कि मैंने बताया पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स वेस्टर्न कल्चर मोर तो ब, हम लिव इन रिलेशनशिप की भी बात करें तो इट एग्जिस्ट यार एंड इट इज ऑल इट नथिंग इज़ इलीगल इट इज़ लीगल यार आप प्री मैरिटल सेक्स कर रहे हो इंटरकोर्स कर रहे हो अपनी म्यूचुअल कंसेंट से कर रहे हो अपनी आपसी सहमति से कर रहे हो अट्ठारह साल से ऊपर हो तो नथिंग इज इलीगल आप कर सकते हो लीगली इसको सो फॉलो अप क्वेश्चन तो फिर क्यों कुछ होटल्स में ऐसा होता है दैट अनमेरिड कपल्स आर नॉट अलाउड सीन दैट बहुत सारे होटल्स hmm. करते हैं कि अनमेरिड कपल्स को हम जगह नहीं देंगे हम रहने नहीं देंगे इट्स नॉट अलाउड राइट एंड मैंने बहुत सारे टॉप लाइक like, काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टीज काफी एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज को भी देखा है जहाँ पे उन लोगों ने ये लिख के रखा है आई थिंक फाइव स्टार्स में यूजुअली नहीं होता है बट कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो ये बोलती हैं तो अनमैरिड कपल्स क्या होटल बुक कर सकते हैं दैट्स लीगल और इन दैट इज फर्स्ट यार बिल्कुल कर सकते हैं इट इज लीगल ऐसा कुछ भी नहीं है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी जजमेंट दिए तो फिर क्यों ऐसे मना किया है होता क्या कि अगर एक अन कपल होटल रूम बुक करते हैं अ लॉट ऑफ पीपल थिंक इट इज़ नॉट यू नो सोशली एक्सेप्टेबल इट इज़ नॉट मॉरली राइट उनके दिमाग में ये चल रहा है एंड यू नो होटल की पॉलिसीज़ है तो नो बडी कैन यू नो काउंटर इट कि हाँ आप मेरे को न कमरा क्यों नहीं दे रहे होटल वाले कह रहे हैं नहीं दे रहे तो नहीं दे रहे भैया हमारी पॉलिसी है नहीं दे रहे क्रिएटेड पॉलिसी हाँ तो उसके अगेंस्ट क्यों जाना फिर लेकिन आप बिल्कुल कमरा ले सकते हो लीगली कमरा ले सकते हो अगर आप मेजोरिटी एज अटेन कर सकते हो कर चुके हो और अपनी यू you नो know, आपसी सहमति से कमरा ले सकते हो इट इज़ ऑल लीगल सो ऐसे इफ कोई होटल मना कर देता है तो कुछ उस पर आप कुछ भी लीगली कोई नहीं, प्रोसेस नहीं, नहीं, नहीं कुछ भी नहीं, 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 सबस्ते नहीं सबस्ते उनकी पर्सनल पर्सनल प्राइवेट पॉलिसी है नहीं फाइंड अप होटल जहाँ पे इंटरेस्टिंग ओके फॉर अनादर क्वेश्चन ऑन दिस कि जब बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप इफ़ यू आर अनमेरिड यानी बहुत केसेस आते हैं राइट right? एंड बहुत सारे आई नो पीपल ऑन यूट्यूब क्योंकि जब मैं ये पॉडकास्ट के बारे में रिसर्च करा तभी मैंने ये देखा था कि कपल्स को किन किन चीज़ों पर हरास किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट जो वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट हुस कि अगर अनमेरिड कपल को होटल रूम देना लीगल है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बहुत बार पुलिस छोटे छोटे टाउन्स में या छोटे छोटे होटल्स में रेड मारती है hmm. राइट इनफैक्ट मिड साइज होटल्स में भी वो रेड मारती है एंड जब पुलिस रेड मारती है तो अनमेरिड कपल्स को काफ़ी हरास किया जाता है hmm. right? तो क्यों ऐसा होता है जब इट्स इफ इट्स लीगल कोई प्रॉब्लम नहीं है तो क्या होता है एंड पहले तो ये बताओ कि कैसे पुलिस uh, क्या पुलिस किसी भी होटल पर रेड मार सकती है यार yeah, बिल्कुल भी रेड नहीं मार सकती एंड दिस इज वेरी रॉन्ग अगर लोगों के साथ होता भी है एंड बट मैं ये लीगली अगर बात करूँ तो लीगली इट इट इज़ इज़ नेवर हासिल की अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक होटल रूम में रह रहे हो और अपनी म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हो मेजॉरिटी एज अटेन करके ये क्राइटेरिया रहता ही है और नॉर्मली तो आपको कोई भी पुलिस ऑफिसर आके तंग नहीं कर सकता अगर आपको होटल का स्टाफ कमरा देने से मना कर दे देन वो अलग इशू है वो पहले ही डिक्लेयर वो पहले ही आपको पता लग जाएगा क्या क्या के हाँ, दिया अगर आप लीगली अपना आधार कार्ड या अपनी कोई भी आई डी दे के आई डी डॉक्यूमेंट दे के आपने कमरा लिया है पेमेंट करी है तो कोई भी पुलिस वाला आके रेड के नाम पे ये चीज़ नहीं बोल सकता कि भैया आप थाने चलो आप गलत काम कर रहे हो तो अगर कोई हरास कर रहा है जी ऐसी सिचुएशन में तो क्या लीगल स्टेप्स ले सकते हैं क्या वहीं पे आप मना कर सकते हो कि नहीं यू हैव नो राइट आप हमसे कुछ बिल्कुल कर मना कर सकते हो यार आप पुलिस वालों को बोलो ना आपको क्या राइट है भाई अगर आप रेड भी मार रहे हो तो रेड किस चीज़ के लिए मार रहे हो कोई लीगल चीज़ के लिए मारो ना अ लॉट ऑफ टाइम इट हैपन्स कि पुलिस रेड मार रही है कि उनको इन्फॉर्मेशन मिली है कि इस होटल में कोई इलीगल एक्टिविटी चल रही है या वेपन्स आए हुए हैं या कोई टेररिस्ट आए हुए हैं या कुछ ऐसी चीज़ हुई है अगर आप ऐसी चीज़ के लिए रेड मार रहे हो तो यू आर मोस्ट वेलकम आप देख लो हमारा कमरा देख लो जो भी देखना देख लो बट आप हमें हरेस्ट नहीं कर सकते आपके पास कोई राइट नहीं है राइट है तो आप मुझे लिख के दो कि इस समय पे आप मुझे अरेस्ट करके जा रहे हो इस रीज़न की वजह से जा रहे हो कि मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में कमरा लिया है ये लिख के साइन करके मेरे को दे दोगे तो मैं चल लूँगा आपके साथ अगर नहीं देते तो ये लो जी मेरा फ़ोन पकड़ा है मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको जो बोलना बोलिए तो ये चीज़ बिल्कुल लीगल है यार पुलिस ऑफिसर ऐसे नहीं कर सकते अगर तब भी नहीं मानते बड़े अकड़ू होते हैं कोई कुछ ना कुछ ऐसा निकल आता है कि हाँ बड़े ईगो पे ले आते हैं बात अपनी कि हाँ मैं पुलिस हूँ तो मैं लेके ही जाऊँगा आपको थाने लेके ही जाऊँगा बंद करूँगा माँ बाप को बुलाऊँगा ये करूँगा एक ना यंत्र दे दिया फ़ोन के नाम पे आपके हाथ में आप हमेशा वहाँ पे गूगल पे जाइए स्टेट पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाइए जस्ट उस पुलिस ऑफिसर का नाम देख लीजिए क्या है क्या पोस्ट है क्या नहीं है पता लगा लीजिए नहीं पता लगता तो नाम थाना कहाँ पे पड़ता है एरिया कहाँ पर पड़ता है वो सारी इन्फॉर्मेशन डालिए अगले दिन ही उस पुलिस ऑफिसर की आपको हालत पता लग जाएगी क्योंकि ये जो कंप्लेंट अथॉरिटीज़ है ना दे आर वर्किंग वेरी हार्ड दे आर वर्किंग वेरी स्ट्रिकली टूवर्ड्स करप्शन टू वर्ड्स यू नो ये जैसे मिस यूज़ ऑफ़ पावर करते हैं पुलिस ऑफिसर बिल्कुल दिस थिंग आर सो एक क्वेश्चन है कि जब हम होटल रूम बुक करते हैं तो लड़कों को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए जब भी वो होटल रूम बुक करने जा रहे हैं ताकि बाद में उन्हें प्रॉब्लम्स नहीं आए यार कई बार ऐसा होता है कि जो गर्लफ्रेंड होती हैं या लड़कियां होती हैं वो बाद में लड़के के ऊपर ज़बरदस्ती फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने का केस कर देती हैं और कई बार केसेस में मैंने ये भी देखा है कि अगर आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स लिए हुए हैं एक लड़के ने एक बॉयफ्रेंड ने तो वो बड़ा आसानी से बच जाता है कोर्ट के अंदर अपनी इनोसेंस प्रूफ कर देता है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल रूम बुक कर रहे हो तो मेक uh, श्योर sure की जो होटल की जब एंट्री uh, होती है वहाँ पे एक डायरी दी जाती है आपको रिसेप्शन पे मेक श्योर sure की लड़की अपना नाम खुद अपने हाथों से भरे वहाँ पे अपने सिग्नेचर्स करे अपनी आईडी दे उनको इस चीज़ से भी बड़ा फ़र्क पड़ता है कोर्ट के अंदर ये प्रूव करने के लिए कि आप दोनों ने अपनी आपसी सहमति से बनाया है ये रिलेशनशिप मेक श्योर की होटल की सी फुटेज है सामने दिख रही हो और सीसीटीवी फुटेज में आपकी गर्लफ्रेंड का चेहरा आ जाए क्लियरली सो उनसे कोशिश करो कि कैमरे की तरफ़ देखने के लिए उनको बोलो तो ये चीज़ से भी बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कोर्ट के अंदर अपनी इनोसेंस प्रूव करने के लिए एक लड़के को क्योंकि कई सारे ऐसे फॉल्स केसेज आ रहे हैं कि यार भैया कि लड़की को ज़बरदस्ती ले गया है लड़का उसको बेचारे को जेल में डाल दिया लड़की मज़े कर रही है बाहर और ऐसी कई सारी जो होटल्स में एक्टिविटी हुई है इनके बेसिस पे लड़ लड़कों को छोड़ा भी गया है कोर्ट द्वारा तो ये चीज़ ध्यान रखो यार लड़की से डायरी खुद भरवाओ खुद उनकी आईडी दिलवाओ और सीसीटीवी फुटेज में उनका चेहरा आना चाहिए क्लियरली ओके लेट्स लेट्स टेक वन स्टेप फॉरवर्ड ऑफ रिलेशनशिप स्टेज विच इज़ लिविंग रिलेशनशिप्स स्पेशली अगर आप मुंबई दिल्ली में रहते हो तो लोग आपको बताते हैं जब भी आप एक नई सोसाइटी में घर लेने जाते हो तो सबसे पहले ये होता है राइट पहले तो बैचलर्स को घर नहीं देते बैचलर्स के बाद जो लिव इन में रहते हैं उनको भी घर नहीं देते हैं राइट तो दे वॉन्ट फैमिलीज़ तो लिव इन में रहना क्या इलीगल है इंडिया में बिल्कुल इलीगल नहीं है यार वो एक कंसेंटिंग पार्टनर्स हैं और मेजॉरिटी एज अटेन करी हुई है बिना शादी के आप कहीं पे भी रह सकते हो और अगर सोसाइटीज़ मना करे तो इट सोसाइटीज़ कॉल आप कुछ नहीं कर सकते हो यार देखिए मना करें तो वो उनकी एक यू you नो know, अपनी एक कोऑपरेटिव थिंग होती है कि हाँ हमने नहीं देना अनमैरिड कपल्स को ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना वो फिर मेजॉरिटी पे बात आ जाती है अगर सोसाइटी मना कर रही है प्रॉब्लम है तो आपको उस जगह जाना ही क्यों जो अल्टीमेटली आपको दिक्कत न्यूसेंस क्रिएट करे लेकिन कोई आपको रोक नहीं सकता भाई साहब कोई भी ऐसी चीज़ करने से रोक नहीं सकता अगर आपको परेशान कर रही है सोसाइटी यार आप तो अनमेरिड कपल आप यहाँ नहीं रह सकते आप बता दो मैं क्या इलीगल है नहीं बता रहे तो मैं आपकी सीधा पुलिस कंप्लेंट करता हूँ आप सीधा वन वन टू पर पुलिस कंप्लेंट करके पुलिस को बुला लो उधर अब बात करो फिर बैठ के क्या इलीगल है क्या लीगल है कोई परेशान नहीं करेगा आपको सो so, बट अगर सोसाइटी का कोऑपरेटिव बना हुआ हो या सोसाइटी के रूल्स हो तो आप कुछ नहीं कर सकते नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है यार आप जा सकते हो फॉर एग्जांपल आपने सोसाइटी में घर लिया हुआ है और घर आप रेंट पे चढ़ाना चाहते हो आपको कोई कपल मिल गया अनमैरिड कपल तो आप फॉर श्योरली उसको दे सकते हो यार मतलब और सोसाइटी अगर बोले कि नहीं मैं बैचलर्स को नहीं देना सोसाइटी का एक यू नो वर्बली रूल बना होता है या कुछ ऐसा बना होता है बट लीगली इट इज नॉट राइट आप तो कानून के हिसाब से लोगे ना क्योंकि सोसाइटी तो इंडिया के अंदर है टेरिटोरियल hmm. जोरिस्टिक्शन तो इंडिया है भाई साहब आप hmm. अपने रूल्स बना के थोड़ी बैठ जाओगे क्वेश्चन आपने मूवी देखी रिसेंटली केरला स्टोरी हाँ मैंने कुछ कुछ याद है मेरे को वैसे फोर्स कन्वर्जन्स के खिलाफ एक लॉ निकाला था इन उत्तर प्रदेश इन मध्य प्रदेश जैसी स्टेट्स में ऐसा लॉ है जिसको लव जिहाद लॉ भी बोलते हैं राइट तो <coughs> इस लॉ के फैक्ट्स क्या क्या हैं और मिथ्स क्या क्या कैन यू अस कि ये लव जिहाद लॉ होता क्या है यार लव जिहाद लॉ ये होता है कि यू you नो know, जो फ़ोर्सफुली कन्वर्जन जैसे आपने बताया हो रहा है आजकल और मूवीज़ में भी दिखाया गया yeah. है कि इट इज़ हैपनिंग एट अ वेरी हाई रेट स्केल तो आ, इस चीज़ को रोकने के लिए ही यू you नो know, ये मुहिम चालू कर देते हैं जैसे कि लव जिहाद चालू किया इन्होंने hmm. इनका इंटेंशन यही है कि यार कोई फ़ोर्सफुल कन्वर्जन ना हो कोई यू नो you know, कोई भी फंडामेंटल राइट right को इनफ्रिंज ना कर पाए अब इसके एडवांटेज ये है कि हाँ दिस पीपल रियली टेक केयर ऑफ दोज की जिनकी जेनवन प्रॉब्लम हो रही है बोनाफाइडी प्रॉब्लम है कि हाँ इनको कन्वर्ट किया गया है बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन वी हैव स्पेशली सीन जिसको जिनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता है एंड दूसरे धर्म के लोग इसको यू नो कन्वर्ट करने के लिए उनसे शादी करवा लेते हैं एंड देन दिस पीपल मेक देयर लाइफ लाइक हेल्थ तो ये चीज़ काफ़ी इन्होंने रोकी भी है एंड इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप दैट देव टेकन बट क्रिटिसाइज़ मैं इस मामले में करूँगा कि ये लोग एक मुद्दा बना के बैठ गए हैं कि हाँ यार आ, ब, मतलब एक मुस्लिम और एक हिंदू शादी कर रहे हैं तो मतलब वो लव जिहादी है तो इनकी लाइफ तबाही करो तबाही करो ये होना ही नहीं देना हमने अपने हिंदू में ही या फिर अपने रिलीजन में ही हमने शादी करानी है स्पेशल मैरिज एक्ट का हम कोई रोल रोल प्ले ही नहीं करने देंगे हम इंडिया के अंदर बट लॉ तो लॉ है सर लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा आपको इफ इफ टू कंसेंटिंग एडल्ट्स आर यू नो इन अ वेरी रोमांटिक रिलेशनशिप एंड दे वांट टू गेट मैरिड टू ईच अदर दे वांट टू स्पेंड देयर लाइफ टुगेदर जेनविनली जो है तो उन लोगों के लिए बड़ी डिफ़िकल्टी क्रिएट हो जाती है इस इन चीज़ों से लव जिहाद जैसी चीज़ों से सो कैन दे डू समथिंग टू प्रोटेक्ट दम सेल्फ बिल्कुल यार वो कर सकते हैं दे कैन फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते पेटिशन हैं क्या रिट रिट क्या है होती है यार आप अपने राइट के लिए लड़ रहे हो फॉर एग्जांपल इट्स देयर फंडामेंटल राइट तो वो अगर कोई इन्फ्लुस कर रहा है तो यू कैन जस्ट सिंपली फाइल अ रिट पिटिशन इन द हाई कोर्ट कि हमारा राइट इन्फ्लु हो रहा है जी इनको रोका जाए इनको डायरेक्शन दी जाए ऑनरेबल हाई कोर्ट कन्विंस है तो फिर आपका काम हो जाएगा ओके इसके ऊपर ही एक और क्वेश्चन कि अगर कोई अपने कंसेंट से घर से भाग जाते हैं दो कपल कि मान लो घर वाले रेडी नहीं है किसी भी रीज़न से और एक कपल भाग जाता है लड़का लड़की घर से भाग जाते हैं एंड वो देोप एंड देन दे गेट मैरिड वो भाग के शादी कर लेते हैं एंड उसके बाद बहुत सारे ऐसे फॉल्स केसेस एक्यूजेशन सुनने को आते हैं वेर कि लड़की के घर वाले फॉल्स किडनीपिंग एंड रेप केसेस लगा देते हैं लड़के के ऊपर तो उस टाइम पे क्या लीगल एक्शन लिया जा सकते हैं सर देखिए इसमें बड़े सारे मेरे को क्वेरीज़ भी आती है ये आई कैन रिलेट दिस थिंग और मेरी जब भी किसी से बात होती है इस बारे में तो कई बार ऐसा हुआ है कोई ये चीज़ करने की सोच रहा है नेक्स्ट डे तो उससे पहले मेरे से बात कर रही है उसने तो मैं उसको समझाता हूँ भाई तू अभी ऐसा मत करो प्लीज़ मतलब भगा के शादी करवा रहे हो तो एक एफिडेविट बनवा लो एटलीस्ट कि आप ज़बरदस्ती नहीं भगा रहे मैडम को क्योंकि कई बार केसेस में ऐसा भी होता है कई बार केसेस मैंने फेस भी करे हैं ऐसे कि लड़की के घर वाले उसको इमोशनली टॉर्चर करके मना के उसको अगेंस्ट कर देते हैं अपने पति के जिससे जिससे एक दिन पहले वो शादी करके आए हैं तो थाने में एकदम बात चेंज होती है कि पहले तो शादी कर ली उसके बाद जब घर वाले उसको पकड़ के लाए उसकी कंप्लेंट डाली तो लड़की जेंज हुई पड़ी है लड़का फंस गया बेचारा जेल में पड़ा हुआ है तो हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस जो कि इंडिया में ऐसे होते ही होते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा इसमें पहले ही आप एक प्रिकॉशनरी मेजर ले लो कि अगर आप लड़की को भगा के शादी कर रहे हो तो एक एफिडेविट बनवा लो यार कि हम दोनों ने आपसी सहमति से शादी करी है लड़के ने मेरे पे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी है लड़के की किसी परिवार ने ज़ोर जबर परिवार को सुरक्षित कर लेना यार पहले अपने क्योंकि फ़ालतू में घर वाले भी आपके यू you नो know, इनके रेडार में आ जाते हैं उनको भी वो जेल करवा देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो ये एफिडेविट में ये सारी चीज़ें लिखवाना कि हम दोनों बालिक हैं हम दोनों मेजोरिटी अटेन कर चुके हैं हम दोनों अपनी आपसी सहमति से शादी कर रहे हैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है हमने इतना यू नो यहाँ पर हम रहेंगे हमने इतना पुल इन किया है ये किया है फलाना ये सारी चीज़ें आपको लिखवानी ही लिखवानी है कि एफिडेविट में उसको आप नोटरी अटेस्ट भी करवाइएगा कोर्ट में जाके So, ऐसा नहीं बोल सकते बाद में एफिडेविट के बारे में कि मैं उस टाइम पे इन्फ्लुएंस किया था मुझे लड़के ने ब्लैक किया था इसलिए मैंने साइन कर दिया था वैन आई वॉज साइनिंग एन एफिडेविट तो मैं अपने सही मेंटल स्टेट में नहीं थी कैन ऐसे करके मना कर दिया तो देखिए कि, कि मैं मैं या तो हाँ, ड्रंक थी या ड्रंक था ऐसा ऐसा कई बार होता है और काफ़ी टाइम हो जाती है ये चीज़ें कि लड़की बाद में पलट के स्टेटमेंट ये दे देती है अपनी कि मेरे से ज़बरदस्ती साइन करवा ली गई या ज़बरदस्ती हो गई तो इसके लिए आप क्या करिए दो विटनेस खड़ा करिए एक लड़की की साइड से होना ही चाहिए एक आपकी साइड से होना ही चाहिए मे बी वो लड़की की बेस्ट फ्रेंड हो गई कोई यू नो कज़न हो गया कोई भी ऐसा बंदा हो गया जो लड़की की साइड से आप विटनेस खड़ा करो ही करो दोनों विटनेस अपनी साइड से मत खड़ा करना और कोई भी वकील अगर आपको ये बोलता है कि भैया आप आ जाओ मैं आपकी शादी करा देता था विटनेस मैं खड़े करवा दूंगा आप इतने पैसे दे देना बिल्कुल मत करना है ये चीज़ बहुत सारी जगहों पर ये स्कैम हो रहे हैं और बहुत सारी जगहों पर काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदियाँ बर्बाद हो रही है तो विटनेस अपना लेकर आओ अगर विटनेस ले लिया विटनेस नहीं भी मिला आपके दोनों के म्यूचुअल फ्रेंड्स हो गए उनको विटनेस बना लो कहीं ना कहीं से विटनेस ढूंढ के लाओ दो विटनेस डालो ही डालो एफिडेविट में उसके साथ साथ आप लड़की की और लड़के की एक थर्ड पर्सन से वीडियो रिकॉर्डिंग करा लो और लड़की से ये बुलवा भी लो कि भैया मेरे पे किसी भी चीज़ का प्रेशर नहीं है मैं अपने बड़े साउंड माइंड से ये वीडियो बना रही हूँ और बोल रही हूँ कि मैं और ये मैडम भाई साहब जी शादी कर रहे तो उस उसके हाँ. बाद दोनों विटनेस को या उनको नहीं बोला जा सकता कि लड़के ने तीनों को डरा के रखा था ब्लैकमेल करा था दैट्स यार देखो unlikely. ऐसा है ना एलिगेशन लगाने को कोई भी कुछ भी एलिगेशन लगा देगा उसके बेसिस पे कंप्लेंट भी फाइल हो जाएगी बट जब ये सारी चीज़ें आपके पास होती है ना तो इट बिकम्स वेरी इजी टू प्रूव योर इनोसेंस इन द कोर्ट तो ये चीज़ें बड़ी काम आती है कोर्ट के अंदर और वीडियो की बॉडी लैंग्वेज से भी बिल्कुल कोर्ट बिल्कुल क्या देखो ये डरते हुए दिख रहा है कि दिख रही लग रहा है कि नहीं लग रहा है ओके you नो know, ये अच्छा ये अच्छा आंसर था या अच्छा टॉपिक था टू सेगवे इन टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेसन तो मान लो कि अगर कंसेंशल दोनों पार्टनर्स ने सेक्शल रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया एंड उसके बाद किसी रीज़न से ब्रेकअप हो गया दोनों का प्लान भी था शादी करने का दोनों ने एक दूसरे प्रॉमिस भी किया था बट उसके बाद में मे बी दोनों की ट्यूनिंग अच्छी नहीं बैठी वैल्यू सिस्टम अलाइन नहीं हुआ तो अलग हो गया एंड वो सिर्फ रिवेंज लेने की वजह से एक फॉल्स एक्यूजेशन लगा दिया कि इसने तो मुझे ऐसे फॉल्स फॉल्स प्रॉमिस करके ही मेरे साथ ये किया तो उस केस में क्या कैन कैन यू फाइट इट लीगली यार बड़ा मिस यूज़ हुआ है इस सेक्शन का एक्जैक्टली exactly, दी मैं बात बहुत ज़्यादा मिस हुआ है मिसयूज़ हुआ है बहुत सारे जो ऐसे लोग हैं जो कि यू नो इसमें यू नो जेल जा चुके हैं विदाउट डूइंग एनी रॉन्ग टू द वुमेन सो so, ये बड़ा डिप्रेसिंग पार्ट भी रहा है जुडिशरी में जस्टिस सिस्टम में और अब क्या है कि अब इस चीज़ पे काफ़ी गौर किया गया है कोर्ट्स ने और काफ़ी गौर करा है बिकॉज़ अब जो कंप्लेंट्स आती हैं तो कोर्ट भी अब अंधा कानून बन के नहीं बैठी हुई कोर्ट भी हर चीज़ को फिगर आउट करती है फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मैं दो uh, में आई गेस एक केस हुआ था जिसका रिज़ल्ट अभी हाल फिलहाल आया है तो उसमें एक डॉक्टर साहब थे ऑलरेडी मैरिड थे उन्होंने यू you नो know, अपनी एक गर्लफ्रेंड थी उनकी उनके साथ शादी करी आ, शादी नहीं करी सॉरी उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप बनाए फिज़िकल रिलेशनशिप बनाने के बाद यू नो गर्लफ्रेंड को पता था कि डॉक्टर साहब की शादी हो रखी है उसके बाद इनके बीच में कुछ खिट हुई लड़ाई झगड़ा हुआ दोनों अलग हो गए तो मैडम ने जाकर डॉक्टर साहब के अगेंस्ट एक फॉल्स मैरी फॉल्स प्रोमिस टू मैरी का केस डाल दिया रेप का अब कोर्ट भी इन बातों को समझती है भैया आप दोनों एडल्ट्स हैं ठीक है वो मैडम थी अब आराम से 28-27 साल की डॉक्टर साहब भी थे 35-40 साल के आप दोनों एडल्ट्स हैं समझ पा रहे हैं चीज़ें क्या है क्या नहीं है अगर आपको पता भी है कि उनकी शादी हो रखी है तो आप इस केस में ये फॉल्स प्रॉमिस टू मैरी का केस नहीं डाल सकते उल्टा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उनको सज़ा दे दी थी, थी इस बारे में डॉक्टर साहब को लेकिन जब बात हाई कोर्ट में आई तो हाई कोर्ट ने उनको फ्री छोड़ दिया बेल भी दे दी हर चीज़ दे दी केस भी रफा दफा करवा दिया जस्ट ऑन द ऑन द प्रीटेक्स की जस्ट ऑन द नॉलेज की हाँ आपको पता था इनकी शादी थी शादी हो रखी थी यू बोथ आर मेजर पर्सन आप मेजोरिटी एज आपकी है अच्छी खासी इंटेलिजेंट है समझते हैं जिंदगी क्या है क्या नहीं है तो आप इस सेक्शन को मिस नहीं कर सकते किसी भी तरह किसी भी हद तक इस केस के अंदर तो लड़का क्या कर सकता है अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कि यार मैं इसे फॉल्स केसेस से बच पाऊँ एनी वे नहीं बिल्कुल है ना यार आप पहले से ही यू you नो know, मैंने जो जिस चीज़ पे आपको बोला है फोकस रखो जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग एविडेंसेस क्योंकि बहुत बार देखा है लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में आते हैं खाना पीना क्या सभी भूल जाते हैं यार कुछ करना नहीं आगे चलो बहुत आ, विम्स एंड फैंसीज होगा हमारे साथ एविडेंसेस तो, कलेक्ट करो मतलब क्या कि जैसे फॉर एग्जांपल वेरी वेरी छोटे छोटे मैं दो तीन एग्जांपल देता हूँ बताओ मुझे इफ़ आई एम थिंकिंग राइट क्योंकि मुझे ना लोकली सिंपल बनाना है तो अगर इफ़ यू आर डेटिंग तो इफ़ समाइम लेट्स अगर आपको कभी

हमेशा बना के रखो अगर हो सके तो आप उनको बोलो मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर सकता हूँ पूछ सकता हूँ इफ दे अलाउ यू तो आप कॉल रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो यार hmm. बट जो चैट्स का इफ़ेक्ट देखा है ना कोर्ट बड़ा एंटरटेन करती है इस चीज़ को कि अगर कोई फंस गया और बिकॉज़ अभी रिसेंटली छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ कोर्ट में एक केस हुआ था तो ऑनरेबल कोर्ट ने चैट्स के बेसिस पे ही बंदे को छोड़ा था कि हाँ यार आप तो ऑलरेडी एक दूसरे के साथ यू नो यू आर इन अ रिलेशनशिप आपको पता है ये आपसे शादी नहीं करेंगे और आप पहले घर वालों की घर वालों से पूछेंगे क्या है क्या नहीं है और जो भी रिलेशनशिप बना है वो आपकी आपसी सहमति से बना है तो इसमें इन्होंने कोई जोर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी ना ही आपको फॉल्सली कमिट किया है कुछ तो दो लोग रिलेशनशिप में थे दोनों की चैट्स थी और चैट्स का रिकॉर्ड लड़के के पास था अल्टीमेटली अब उस चैट्स के थ्रू ये पता लगा कोर्ट को कि हाँ दोनों को दोनों आपसी सहमति से रिलेशनशिप में आए लड़के ने पहले ही क्लियर करा हुआ था कि मेरी फैमिली मानेगी तभी मैं शादी करूँगा वरना नहीं करूँगा वो चीज़ भी चार्ट पे आ गई रिकॉर्ड पे और उस चीज़ के बेसिस पे कोर्ट ने लड़के को छोड़ दिया hmm. तो चार्ट का होना या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होना बड़ा मायने रखता है कोर्ट के अंदर बिकॉज इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट जो एक नया आ गया है या 2000 से चल रहा है ये तो इसने बड़ा इम, ये बड़ा इम्पैक्टफुल है कोर्ट के अंदर और इफ़ इट कम्स इन टर्म्स ऑफ एविडेंस इंटरेस्टिंग क्योंकि एक केस था जो लास्ट जो लॉयर आई थी उन्होंने बताया था कि देर टू पार्टनर्स वो दोनों उस पार्टनर ने एक अग्रीमेंट साइन कराया था hmm. कि हम दोनों कंसेंशली दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं अगर ये वर्कआउट करेगा तो हम शादी करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे तो उन्होंने उसे साइन कराया था तो भी वो कोर्ट में उनके अगेंस्ट हो गया वो बैकफायर हो गया उनके ऊपर और उनको सज़ा दे दी कि तुमने ये पहले साइन इसीलिए करवाया क्योंकि तुम्हारे मन में पहले से ये था कि मैं इसको झूठे दावे दूंगा और निकालूंगा सो आई थिंक द वे जो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर टाइम टू टाइम कलेक्ट करते जाओ सो दैट्स अ बेटर वे देन वन टाइम एविडेंस जो आपने तीन चार साल पहले कभी साइन करवाया यार देखिए ऐसा होता है ना जब आप लिव इन रिलेशनशिप में आते हो ना तो वो सिर्फ इसी चीज़ की वजह से बैकफायर नहीं करा होगा वो इस चीज़ की इस चीज़ की वजह से भी करा होगा बैक फायर डीपली रीड द सेक्शन टू सेक्शन एफ और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट तो उसमें बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है कोई भी मैरिज से रिलेटेड होता है या फिर कोई भी ऐसा रिलेशनशिप विच इज़ इन नेचर ऑफ ऑफ द मैरिज अब जो लिव इन रिलेशनशिप है वो नेचर ऑफ मैरिज में आ जाता है कि आप दोनों साथ में रह रहे हो यू you नो know, एक रूटीन फॉलो कर रहे हो दोनों पुल इन कर रहे हो या फिर एक पति पत्नी की तरह बिहेव कर रहे हो जी रहे हो तो इट कम्स अंडर नेचर ऑफ़ मैरिज तो जब ये चीज़ आपकी आ जाती है आपने लिव इन रिलेशनशिप का अग्रीमेंट भी बना लिया एक उसमें भी बड़ा एक्सप्लिसिटली चीज़ें हो गई कि हाँ ये एक लिव इन रिलेशनशिप में है तो उससे क्या होता है कि कोर्ट को कन्विंस करना बड़ा आसान हो जाता है लड़की की साइड से आप समझ गए कि इसने मेरे से शादी करने का वादा किया था इसने मेरे को एक्सप्लॉयड किया इसने मेरे को ये किया वो किया चलो अग्रीमेंट साइन भी करा लिया तो बट जो मेरे साथ इमोशनली चीज़ें हुई है विच कम्स अंडर नेचर ऑफ़ मैरिज तो मैं उसके बेसिस पे इस पर डोमेस्टिक वायलेंस इस पर मेन्टेनेंस इससे वो सारे पर्कस ले सकती हूँ जो एक शादीशुदा औरत ले सकती है तो ये चीज़ें भी बड़ी मायने रखती है कि आप लिव इन रिलेशनशिप में हो या एक गर्ल बॉयफ्रेंड के साथ अलग अलग अपने अपने घरों में रह रहे हो तो दैट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कम ऑफ द केस

अगर आपका बॉयफ्रेंड आपको अब्यूज़ कर रहा है चाहे वो इमोशनली अब्यूज़ कर रहा है फाइनेंशियली अब्यूज़ कर रहा है वर्बली कर रहा है जैसे तैसे कर रहा है तो आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में क्लेम कर सकते हो अपने राइट्स जो एक वाइफ हस्बैंड से क्लेम कर सकती है hmm. तो ये सारे पर्कस ऑलरेडी मिल गए हैं एक रिलेशनशिप में लिव इन ओके तो एक क्वेश्चन मेरा पुराने उस पर रह गया थोड़ा सा सो आई लास्ट चैट्स की आप बात कर रहे थे जिसमें uh, जब आपने बोला कि चैट्स रखो एविडेंस रखो राइट और उसके बेसिस पे अगर आपके ऊपर कोई फॉल्स केस लगाता है तो आप बच जाते हो और कोर्ट आपको रिलीज़ कर देगी राइट तो अब क्या हो गया सोशल मीडिया वर्ल्ड है सोशल मीडिया का पूरा ज़माना है हर कोई सोशल मीडिया के ऊपर डाल देता है सो डू यू थिंक कोई लड़की या कोई भी लड़का किसी दूसरे पार्टनर को डिफेम कर सकता है वो कुछ स्पेसिफिक स्क्रीन शॉट लेके चैट्स के कि इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा प्रॉमिस किया था ना दिस इज़ लाइक अ बैड पर्सन इसने मेरे साथ या तो बदतमीजी करी या उसने मुझसे ऐसे बात करी सी ये एस से कितनी फ्लॉट करता था लेकिन रियलिटी में ये ऐसा है एनी और वो डिफेम कर दें विदाउट और बहुत सरकमस्टेंशल स्क्रीन शॉट डाल के एंड वेन दे डू इट मान लो कि ओवरऑल केस में अल की व्यू हाइपथेटिकल सिचुएशन ओवरऑल केस में अगर एक जो लड़का है उसकी गलती नहीं है लेकिन लड़की सरकमस्टेंशल स्क्रीन शॉट्स डाल के उसको डीफेम कर देती है ऑन सोशल मीडिया तो सोशली तो वो लड़के को बहुत ज़्यादा इमोशनल डैमेज हो जाएगा सोशल डैमेज होगा इमोशनल डैमेज होगा उसकी रेपूटेशन पे, उसको ख़ुद को तो उस केस में क्या कर सकते हैं क्योंकि दिस कैन हैपन और ये बहुत बार होता है क्योंकि ब्रीडिंग है नहीं ये बिल्कुल होता है यार और कैन गाय डू समथिंग बिल्कुल कर it? सकते हैं भाई बिल्कुल कर सकते हैं बिकॉज डेफोमेशन इज अ अफोमेशन एंड इट इज अगेंस्ट द लॉ कि आप अगर बिना यू नो इज बदनाम बदनाम करना हाँ पब्लिकली किसी को या किसी की इमेज को या किसी इंडिविजुअल को तो uh, अब क्या है कि अगर कई बार ऐसे होते हैं इंस्टेंसेस कि लड़कियाँ सर्कमस्टांशल स्क्रीन शॉट्स लेके किसी को बदनाम कर देती हैं लड़कियों के साथ भी ऐसा होता है लड़के ऐसा हाँ, है। लड़के ऐसे हाँ, करते हैं बहुत बार बहुत बार बीच में तो, बहुत बड़ा केस भी होता है लॉकर रूम बॉयज का वेरी वेरी बैड तो उसके बाद क्या है कि अगर आपके साथ हो रहा है ये चीज़ अगर कोई आपके ना स्क्रीन शॉट्स लेके डाल रहा है सोशल मीडिया पर डाल रहा है या पब्लिकली आपको मान हानि पहुँचा रहा है डीफेम कर रहा है तो यू कैन वेरी मच फाइल अ क्रिमिनल केस अगेंस्ट दैट पर्सन जो आपके साथ ऐसा कर रहा है और क्रिमिनल केस के साथ साथ आप एक सिविल सूट भी डाल सकते हो फॉर रिकवरी फॉर कॉम्पनसेशन कि आपने मेरे साथ ये किया है और मेरी इमेज को इतना नुकसान हुआ है चलो आप मुझे इतने पैसे दो क्योंकि मेरी इमेज बड़ी मायने रखती है पब्लिक के अंदर तो कई बार केसेस हुए हैं ऐसे और एक मेरे फ्रेंड के साथ भी हुआ था अभी एंड ही इज़ क्वाइट इज़ अ सोशली नोन पर्सन तो उनके साथ भी हुआ था उनकी वीडियोस डाल दी गई थी सोशल मीडिया चैनल्स पे विदाउट हैविंग एनी यू नो पर्टिकुलर प्रूव किया पर्टिकुलर ऑर्डर कोर्ट का कि आप ऐसे ही हैं आप आप फ्रॉड हैं आप ये है आप फलाना है ढिकाना है उसकी वीडियोस वायरल हो रही है हर चीज़ हो रही है अब वो कह रहा है भाई पहले कोर्ट को तो प्रूव होने दो कोर्ट तो कोर्ट इन कोर्ट ने कुछ बोला नहीं पब्लिक पहले अपना डिसीजन लेके बैठ गई है तो उसने डेफोमेशन का केस डाल दिया एंड ही वॉन् दैट केस अब जिस जिसकी वीडियो हुई थी उनसे उसने कॉम्पनसेशन भी ली है और अपना उनकी वीडियोज भी हटवाई है कोर्ट के कोर्ट के थ्रू तो अनटेन एंड अनलेस कोर्ट कोई डिसीजन पे नहीं आता कोर्ट के ऑर्डर पे लिखा हुआ नहीं आ जाता कि भैया आप फ्रॉड हो या फिर आप ये हो आपने इसके अपने. साथ ये किया है अनटेन एनलैस कोर्ट के ऑर्डर में नहीं आता आप पब्लिकली किसी को कुछ नहीं बोल सकते किसी के अगेंस्ट ओके आई हैव वन क्वेश्चन ऑन गर्लफ्रेंड फ्रेंड बॉयफ्रेंड अगैन एड वन इज़ ये क्वेश्चन भी हमें टीम से मिला जहाँ पे लोग पूछ रहे हैं ये काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को लोन देता है वैन देवर इन रिलेशनशिप एंड उसके बाद जब उनका ब्रेकअप होता है तो जो गर्लफ्रेंड है जो लड़की है वो मना कर देती है पैसे देने से वापस रिटर्न करने से तो कैन यू रिकवर दैट बिल्कुल यार आप रिकवरी का सूट डाल सकते हो तो लड़की पैसे, पैसे लेके भाग जाती है तो आप रिकवरी का सूट डाल सकते हो बिल्कुल डाल सकते हो आप क्रिमिनल कंप्लेंट भी कर सकते हो कि हाँ मेरे से इसने लोन पे पैसे लिए थे हमारा रिलेशनशिप अलग है जी इन्होंने पैसे जो लिए हैं वो अलग है फाइनेंशियल हेल्प और अगर लेके भाग गई हैं मैडम तो क्रिमिनल केस भी डाल सकते हो फॉर एग्जाम्पल आप गर्लफ्रेंड आपकी भाग गई है मिल नहीं रही फोन नहीं उठा रही तो आप एक क्रिमिनल कंप्लेंट डाल दो चीटिंग की फोर ट्वेंटी आई पी सी का डलेगा आप फोर जीरो फाइव फोर जीरो सिक्स आई पी सी का डलेगा विच इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट एक क्रिमिनल कंप्लेन डाल के भी इस चीज़ को हैंडल कर सकते हो एक सिविल सूट फॉर रिकवरी भी डाल सकते हो पर यह सॉल्व होता है जस्टिस तभी मिलेगी जब आप एक अच्छा वकील करोगे सर जी आप वकील करो वकील अपने आप, आपका केस लेकर जाएगा आपको जस्टिस दिलवाएगा अगर वो ट्रस्टवर्दी है अगर वो ऑनेस्ट है अगर उसको यू uh, नो you know, जस्टिस की कीमत पता है सो so गेटिंग

डिवॉर्स डिवोर्स मैट्रीमोनियल सब करते हैं सारे तो क्या लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं इस पॉडकास्ट पर लोग देख रहे हैं और किसी भी छोटे केस में या बड़े केस में तो कैन दे रीच आउट यू? बिल्कुल यार एंड कहाँ uh, वो रीच आउट कर सकते हैं आई एव गिवन आ व्हाट्सएप नंबर आल्सो मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर भी है यूट्यूब पर भी है हर जगह फेसबुक पर भी है एक फनल खोला हुआ है मैंने व्हाट्सएप का जिस जिसके थ्रू आप मेरे को मैसेज कर सकते हो एंड मेरी टीम आपको कनेक्ट करवा देगी जो भी आप मेरे से कनेक्ट करना चाहिए अच्छे किसी लॉयर से जो बिल्कुल। उस उसनेटी का उस एरिया का अच्छा पैन इंडिया कहीं पे भी इंटरेस्टिंग ओके okay. अब ये बताओ हमने ये लड़के की साइड से तो पूछ लिया कि अगर पैसा लेके भाग जाती है लड़की राइट right? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ विच इज़ वेरी सीरियस जो बहुत टाइम मैंने मेरे क्लोज सर्कल में भी एक्सपीरियंस किया right? कि है कि गर्ल फ्रेंड आर टुगेदर एंड ब्रेकअप हो जाता है एंड बॉयफ्रेंड अब ब्लैकमेल करता है गर्ल फ्रेंड को कि मैं प्राइवेट चैट्स या प्राइवेट फोटोज़ या कुछ ऐसी चीज़ें लीक करूँगा जिससे लड़की की सोशल इमेज को प्रॉब्लम पड़ेगी या कुछ ऐसा करूँगा विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट और वो ब्लैकमेल करता है सो so, कुछ वॉट इज़ like, क्या लीगल एक्शन हो सकता है उसके अगेंस्ट कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है बेस्ड ऑन आपके इन फोटोज़ या इन अप्रोप्रिएट चैट्स दिखाने के लिए। यार बहुत बार ऐसा होता है आई अग्री विद यू कि लड़कियों की पर्सनल प्राइवेट फोटोज़ या वीडियोज़ उनके एक्स बॉयफ्रेंड्स एक्सप्लॉयड करते हैं उनको ब्लैक करते हैं उनसे चीज़ें करवाते हैं मे बी एक्सटॉशन में भी आ जाते हैं तो इन दिस केस में सभी लड़कियों को जो कि विक्टमाइज हुई हैं इस चीज़ से विक्टिम बनी हैं तो मैं उन सबको यही बोलना चाहूँगा यार आप डरिए मत यू जस्ट डाइल वन एट वन फ्रॉम योर फ़ोन नंबर या फिर आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी कंप्लेट करिए और अगर आप अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट भी रखना चाहती है तो भी यू हैव गॉट राइट या आपका राइट right है आप जाके थाने में बोलिए मैं Uh, अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती बट ये लड़का मुझे तंग कर रहा है इस तरह से तंग कर रहा है ये चैट्स हैं ये प्रूफ्स हैं ये मैंने ये मेरे को भेजे गए हैं आप इस लड़के के ऊपर एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करो विद अन आइडेंटिटी ये पुलिस ये कर सकती है बिल्कुल पॉसिबल पुलिस भी करती है, है। पुलिस भी करती है आई नो दिस नहीं ये हर लड़की का राइट है लड़का कर सकता है नहीं नहीं लड़के के ऊपर नहीं लड़की का है लड़का अन आइडेंटिटी से नहीं कर सकता सकती। लड़की अन्नोन आइडेंटिटी हाँ, से कर सकती लड़का है, लड़का एक इनफॉरमेशन दे सकता है कि वो हाँ, तो कैसा हो रहा है। ओके, टेमी इंदौर में ना एक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वी केयर फॉर यू, हैव यू ऑर्डर्फूड? हाँ, सुना है मैंने। वी केयर फॉर यू, तो ऐसा था कि अगर so यूजुल वो आपके ऊपर जो ऐसे क्राइम्स होते हैं अगर लड़की हो आप्ट होता है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं ब्लैकमेल होता है तो आप hmm. उनको बता देते हैं वो बहुत फास्ट एक्शन hmm. लेते थे हैवी हर्ड ऑफ एक्ट यार ऐसे कई सारे एन भी चल रहे okay. हैं ओके और कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो कि यू नो लड़कियों के लिए भी बनी हुई है लड़कों के लिए भी बनी हुई है और मैंने सुना नहीं है बट हाँ कहीं ना कहीं फास्ट एक्शन लेते थे बिकॉज आई रिमेंबर आई इन स्कूल दिस दिस इज अ वेरी कॉमन नहीं बट अब ऐसा है ना नेशनली एक नंबर बना दिया गया है या तो वन जीरो नाइन जीरो पे दैट्स अ वुमेन हेल्पलाइन नंबर आप उस पर फ़ोन करो तुरंत एक्शन लेंगे वन एट वन पे करो तुरंत एक्शन लेंगे अपनी आइडेंटिटी बतानी है बताओ नहीं बतानी मत बताओ इन्फॉमेसन डिस्क्लोज कर दो उस इन्फॉर्मेशन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा और ऐसा होता है होता है यू नो कोई क्वेश्चन ऑन दिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई थिंक ये पॉडकास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला अच्छा। है मुझे सारे हेल्पलाइन नंबर्स बताओ चार पाँच हेल्पलाइन नंबर बताओ जो ईजी <laughs> जो इजी जैसे यूएस में कैसे होता है कॉल नाइन वन वन आपने नाइन वन वन को कॉल किया तो वही एम्बुलेंस भेज देंगे वही पुलिस भेज देगी वही आपको फायर भी भेज देंगे वो सब इज ऐ सेंट्रल नंबर इंडिया में कैसे कि हंड्रेड पुलिस के लिए होता है राइट

किसी भी इमरजेंसी है कोई भी इमरजेंसी है आपको पुलिस से रिलेटेड मेडिकल से रिलेटेड फायर से रिलेटेड कोई भी इमरजेंसी है उसमें एक बटन दबाइए आप अगर मेडिकल से रिलेटेड है तो मेडिकल का बटन दबाइए फॉर एग्जांपल पुलिस से रिलेटेड है तो पुलिस का बटन दबाइए उसमें आपके पास पुलिस आपकी लोकेशन आपको पहले फ़ोन करेगी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लड़की है रात को घूम रही है बारह बजे एक बजे उसके साथ कुछ होने वाला है उसको पता लग गया एंड शी हैज़ दैट एप्लीकेशन इन हर फोन तो उन्होंने पुलिस की हेल्प की क्लिक दबा दिया तो सबसे पहले तो पुलिस उनके फ़ोन पर फ़ोन करेगी फोन उठाया वेल एंड गुड नहीं उठाया तो उनकी लोकेशन खुद भी खुद ब खुद ट्रेस कर लेगी और दो से पाँच मिनट के बीच में वहाँ पुलिस आ जाएगी जिस लोकेशन पे लड़की है सो so, ये एप्लीकेशन बड़ी प्यारी है और दो बड़ी से पाँच से 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 मिनट में हाँ हाँ वो हिंदी मूवीज की तरह नहीं जो सब सारा कांड हो गया और फिर पुलिस आई अब दो से पांच मिनट के अंदर पुलिस आ जाएगी कोई मेडिकल इमरजेंसी है दो से पांच मिनट के अंदर एम्बुलेंस आ जाएगी और समटाइम्स यार कभी बहुत इमरजेंसी होती भड़ है हो, हो, तो एप्लीकेशन खोलना ये दबाना थोड़ा वो हो है तो ऐसा कोई एक नंबर नहीं इंडिया में है ना वन वन टू है इमरजेंसी तो तो सारी नंबर सारी के, के लिए वो कर बिल्कुल तो इंडिया का नंबर इज वन वन बाहर नाइन है तो इंडिया इमरजेंसी है सारी इमरजेंसी सो so, एक सेंट्रल कंट्रोल रूम है विच व पुलिस है कि एम्बुलेंस है कि क्या टाइमिंग डिवोर्स के वैलिड ग्राउंड्स क्या होते हैं मतलब ये तो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन है बट स्टिल क्या होता है बहुत बार ऐसा होता है कि अगर एक पार्टनर अग्री नहीं करता डिवोर्स देने से तो वो डिवोर्स नहीं होता राइट right? और लेकिन एक अब्यूजिव रिलेशनशिप है मान लो मैं और मेरी पार्टनर है और मेरी पार्टनर बहुत अब्यूजिव है और मुझे डिवोर्स चाहिए और मेरी पार्टनर बोलती जा नहीं देना डिवोर्स डिवॉर्स तो क्या मैं उसके बाद भी डिवॉर्स ले सकता हूँ यार बिल्कुल ले सकते हो और क्या वैलिड ग्राउंड्स है मतलब अगर वो बोले कि मैं रीज़न अग्री नहीं करती मैं नहीं दूंगी डिवोर्स तो क्या उसके बाद कैन आई है यार आपके, आपके पास ग्राउंड्स uh, होने चाहिए जैसे कि मेंटल क्रूल्टी इज़ अ वैलिड ग्राउंड फिजिकल क्रूल्टी इज़ अ ग्राउंड अगर आपके हस्बेंड uh, या आपकी वाइफ ने आपको दो साल से डिजर्ट किया हुआ है दो साल से छोड़ा हुआ है आपके पास नहीं आया तो देन ऑल्सो इट इज़ अ वैलिड ग्राउंड अपना सात साल से अपने हस्बैंड या वाइफ को नहीं देखा आपने पता ही नहीं जिंदा या मरा हुआ है तो भी दैट इज ऑल्सो अ वैलिड ग्राउंड मेंटली स्टेबल नहीं है हस्बैंड या वाइफ दैट इज़ ऑल्सो अ ग्राउंड मेंटल क्रुएल्टी फिजिकल क्रुएल्टी का क्रूल्पल दो मेंटल क्रुएल्टी और फिजिकल क्रुएल्टी के बेसिस पे ही अ लॉट ऑफ केसेज आर फाइल्ड इन द कोर्ट डिवोर्स के जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी चीज़ की मेंटल क्रुएल्टी हो हो सकती है फॉर एग्जाम्पल आपके पति अब्यूजिव है आपको परेशान करता है आपकी सास ससुर आप अब्यूजिव है आपके साथ मेंटल गेम्स खेलते हैं जस्ट टू हैरेस यू और पति बाहर एडल्ट्री कर रहा है किसी के साथ किसी और के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में अफेयर में वो आपको पता लग जाता है दैट ऑल्सो कॉज इज मैंटल क्रूल्टी टू यू और भी कई ऐसे रीजंस हैं कि कई ऐसी ग्राउंड्स हैं जिससे मेंटल क्रूअल्टी कॉज होती है तो दीज आर सम एग्जाम्पल्स जिससे कि यू नो मेंटल क्रूअल्टी के बेसिस पे यू कैन फाइल अ डिवोर्स पिटिशन बिफोर द कोर्ट क्या लैक ऑफ इंटरेस्ट या बोर्डम कैन बी अ वैलिड ग्राउंड ऑफ डिवोर्स बिल्कुल है जी बिल्कुल कि मुझे अब इस मैरिज में इंटरेस्ट नहीं है मुझे इस रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं है मैं मेरे पार्टनर से बोर हो चुका हूँ hmm. मुझे मूव ऑन करना है मेरी लाइफ में आई डोंट थिंक आई एम हैप्पी इन दिस तो बिल्कुल है यार, बिल्कुल। और कोई नहीं है। हाँ बिल्कुल है अगर आप अपने अपने पार्टनर से ही बोर हो गए हैं अपने यू you नो know, कोई एक्साइटमेंट नहीं रही कुछ नहीं रहा घर जा रहे हैं घर जाके यू नो वो चीज मज़ा नहीं आ रहा उनसे बात नहीं हो रही तो ये भी एक प्रकार की मानसिक क्रूरता है ये भी एक प्रकार की मेंटल क्रूलिटी है दिस कैन बी अ वैलिड ग्राउंड दिस 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 कैन 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 बी 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 अ अगर कोई इन फैक्ट सेक्सुअल uh, चीज़ें नहीं हो पा रही इंटरकोर्स में लैक ऑफ सेक्स हाँ लैक ऑफ सेक्स नहीं हो पा रहा अब एक पार्टनर को चाहिए दूसरा पार्टनर मना कर रहा है बार बार देन ऑल्सो इट इज़ कॉजिंग मेंटल क्रूअल्टी इज इट बिल्कुल बिल्कुल तो ये वैलिड रीजन है बिल्कुल है। कि अगर मुझे सेक्स नहीं करना और मेरे पार्टनर को सेक्स करना है इफ़ आम मैरिड देन मेरी पार्टनर डिवॉर्स फाइल कर सकती है कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड बिल्कुल कर सकती है एंड अंडर सेक्शन थर्टीन आइए हिंदू मैरिज एक्ट आप कर सकते हैं यो इंडिया में एक और है कि मैरिटल रेप इज नॉट कंसिडर्ड आई थिंक इट्स नॉट 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 इट्स इट्स कंसिडर्ड अ अ क्राइम नॉटीडर्डल मैरिटल रेप एक क्राइम नहीं है क्यों ऐसा है यार देखिए बहुत पहले से चलता हुआ आ रहा है इट्स इट्स अ सोशल ड्यूटी ऑफ अ हस्बैंड और वाइफ टू गिम दैट प्लेजर और गिव हर दैट प्लेजर ऑफ इन्वॉल्विंग फिजिकली विद ईच अदर्स तो जब शादी हो जाती है शादी के अंदर ये सारी चीज़ें यू नो फिज़िकल इंटिमेसी करना है वाइफ़ और हस्बैंड को या फिर एक एक दूसरे के साथ कंज़म्पशन ऑफ मैरिज करना या फिर यू नो फिज़िकली इंटीमेट होना इंटरकोर्स करना तो ये चीज़ें बड़ी आम मानी जाती है एक शादीशुदा ज़िंदगी में लेकिन अगर आप यू नो नेचर के अगेंस्ट कुछ कर रहे हो वाइफ के साथ तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल दैट कैन बी कंसिडर्ड इन रेप आप समझ रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल वाइफ को यू you नो know, नेचर के अगेंस्ट आप समझे मेरी बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह से आप सेक्स नहीं कर सकते कोई क्रोअल्टी भरा सेक्स नहीं कर सकते जो कि वाइफ ही अलाउ नहीं कर रही वाइफ को सहन ही नहीं हो रहा आप समझ गए उस तरीके का सेक्स अगर आप करते हो इंटरकोर्स करते हो वाइफ के साथ तो आप कोर्ट जा सकते हो बिल्कुल बट नॉर्मल normal, अगर नॉर्मली भी नॉर्मली वाइफ इज मान लो वाइफ ने बोल दिया कि नहीं करना मुझे एंड हजबेंड फोर्स करता है खुद को तो इट्स सॉर्ट ऑफ रेप इमोशनल रेप है ये या इट्स 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 नॉट यू नो राइट मॉरली बट इसको मैरिटल रेप में नहीं माना जाएगा इंडिया में हमारे तो ये अभी तक ऐसा कोई लॉ कोई लॉ नहीं है अभी तक ऐसा टॉकिंग अबाउट मैरिज इज प्रप क्या होता है प्री नेपचुअल अग्रीमेंट राइट वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है राइट क्या होता है प्री नपचुअल अग्रीमेंट में ये होता है कि शादी से पहले एक अग्रीमेंट बना दिया जाता है कि यार दीज आर योर ड्यूटीज आर द थिंग्स विच वी हैव गिवन इट टू यू और एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप होता है कि हाँ हम इस तरह अपनी शादी को गवर्न करेंगे इस तरह हम चलेंगे एज पर द कॉन्ट्रैक्ट बट बाहर ये लीगल है बट इंडिया में लीगल नहीं है बिकॉज इंडिया के अंदर यही माना जाता है कि शादी इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट सो प्रीन अप यूजली इसलिए किया जाता है जैसे बाहर कि अगर डिवॉर्स होगा तो कितना पैसा कौन लेके जाएगा क्या तुम्हारा हस्बैंड का राइट है नहीं, वाइफ नहीं, के फादर के पैसों पर क्या वाइफ का हाँ सेट ऑफ क्लाजेस बनाते क्या वाइफ का वाइफ के राइट्स हैं कि बच्चों पे वो क्या कर सकते हैं हस्बैंड की कितनी प्रॉपर्टी या पैसे मैं लेके जाऊंगी यार अगर डिवोर्स हो गया तो उसके बाद मुझे कितना कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए बहुत सारे क्लॉज़ेस होते हैं राइट इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं वैलिड ही नहीं है यार इंडिया में प्रिनअप वैलिड नहीं है बट उसके भी अलग अलग रास्ते हैं क्या है फॉर एग्ज़ाम्पल आप शादी कर रहे हैं शादी करने से पहले एक एफिडेविट बनवा लीजिए हस्बैंड और वाइफ के बीच में कि आपने जो भी गिफ्ट दिए हैं वो अपनी मर्जी से दिए हैं मैंने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करी ना ही मैंने आपसे कोई डाउरी की डिमांड करी है ना मेरे परिवार वालों ने करी है आपके जो परिवार वाले हैं इन लॉज के साथ एक एफिडेविट बनाइए आपने अंकल जी या आंटी जी आपने जो भी दिया अपनी बेटी को अपनी खुशी से दिया हमने कुछ डिमांड नहीं करा एक ऐसा एफिडेविट बना लीजिए कल को शादी टूटती भी है वर्ड्स पे होती है टूटने के तो कई फॉल्स केसेस डलते हैं डाउरी के तो उसमें बड़ा काम आएगा ये एफिडेविट एफिडेविट yeah. नहीं बनवाना तो एक ई ड्राफ्ट करवा के अपने आ, पास भिजवा लीजिए अपने इन लॉज के थ्रू अपने ई मेल बट एक बड़ा प्रॉब्लम ही होता है फैमिली बिजनेस या फैमिल बड़ी बड़ी फैमिलीज में से डेली में बहुत केसेस सुनने को मिलते हैं ऐसे कि एक बड़ी फैमिली है जहाँ पे पंद्रह लोग रहते हैं दस लोग रहते हैं एंड उनका हज़ारों करोड़ों का बिजनेस है सौ करोड़ का बिज़नेस है राइट एंड उसमें मान लो एक ब्रदर पर जरा फोर ब्रदर्स जो चारों मिलके धंधा चलाते हैं लेकिन एक वाइफ केस कर देती है कि मुझे डिवोर्स चाहिए और डिवोर्स में मुझे आपकी आधी प्रॉपर्टी चाहिए आधी जितनी भी आपकी नेटवर्थ है आधी आधा पैसा संपत्ति सब मुझे चाहिए राइट बट देन द फैमिली क्लेम्स कि ये तो हमारा है तुम हम तुम्हें क्यों दें hmm. तो उस केस में प्रीना बहुत काम आते हैं अब इंडिया में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है कैन वाइफ क्लेम एवरीथिंग नहीं नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है इंडिया में भी ये लॉ बड़ा क्लियर है कि आप एक वाइफ को जो भी लेना है वो अपने हस्बैंड से लेगी अपने इन लॉज से कुछ भी क्लेम नहीं कर सकते तो अब जैसे हस्बैंड है हस्बैंड के नाम पे कुछ भी नहीं है सब उसके माँ बाप के नाम पे है तो क्या उसको कुछ नहीं मिलेगा नहीं उसको कुछ नहीं मिलेगा उस केस में आ, उनको राइट टू रिजाइड मिल सकती है एक जगह मिल सकती है सिर्फ रहने के लिए या फिर उनके जो हस्बैंड है वो उनको मेंटेनेंस दे सकते हैं एलमिनी दे सकते हैं बाकी इन लॉज की प्रॉपर्टी या एसेट्स पे उनका कोई भी राइट नहीं है क्या इंडिया में पॉन देखना क्रिमिनल क्राइम है नहीं बिल्कुल भी नहीं है यार इंडिया में आप पॉन वीडियोस देख सकते हो अपने प्राइवेट स्पेस में देख सकते हो पब्लिक प्लेस में नहीं देख सकते और इंडिया में आ... पॉन साइट्स बैन कर दी थी ना बहुत सारी कुछ हुआ था नहीं देखो ऐसा है ना पोन आप देख सकते हो लेकिन आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी नहीं देख सकते या फिर जैसे किसी का रेप किया जा रहा है फोर्सफुली किसी वुमेन को उसमें यू you नो know, दर्शाया जा रहा है मे बी इट इज़ अ फिल्म बट वो चीज़ नहीं देख सकते आप पॉन साइट्स पे तो वो चीज़ें बैन करी गई थी और जो जो पॉन साइट जिसको ये ये जो कंटेंट डाल के बैठी थी वो चीज़ें सारी इंडिया में बैन करी गई थी और वैसे आप देख सकते हो पौन कुछ, नहीं नहीं पौन नहीं के नहीं कुछ भी नहीं है नहीं ओके प्रॉस्टिट्यूशन लीगल इंडिया में बिल्कुल लीगल है यार प्रोस्टिट्यूशन प्रोस्टिट्यूशन इंडिया में लीगल बिल्कुल है बिल्कुल लीगल है यार ओके ओके इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ओके लॉयर्स कितना कमाते हैं इंडिया में मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस बताओ कि कोई कितना कमा अच्छा लॉयर जो से आपकी फील्ड में हो या आपके जितने लेवल पे हो

अगले दिन उनको एक यू नो रेमरेशन आ जाता है या उससे एक दिन पहले आ जाता है आई वर्क विद दोज लॉयर्स आई हैव सीन देयर प्रोफेशनल फी स्ट्रक्चर्स इवन आई हैव ड्राफ्टेड देयर प्रोफेशनल फी स्ट्रक्चर तो नाउ आई एम इंट्रीक टू आस्क योर नेम नहीं 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 बहुत एक्सपेंसिव लॉयर हु हैव यू हर्ड मैं अ, उनका नाम ले सकता हूँ अरुण जेटली जी का भी नाम लिखता हूँ बिकॉज ही इज नो मोर और तो अरुण जेटली जी बहुत एक्सपेंसिव लॉयर थे भी एक्सपेंसिव लॉयर थे हाँ तो एक बड़ा यूनिक केस है आपने भी सुना होगा और सोशल मीडिया पे बहुत वायरल है सीमा हैदर हाँ यू हर्ड ऑफ दिस केस जी जी तो सीमा हैदर का क्या केस है और उस केस में कैसे उसको लीगल करा जा सकता है प्लीज बताओ यार देखिए आ... ऐसा तो है नहीं कि यू you नो know, पाकिस्तान से कोई अगर आए तो वो इंडिया में बैन है बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं पहले हुआ क्या पहले शुरू से समझाओ तो ताकि सबको पता चले यार yeah, मेरे को एग्जैक्टली exactly नहीं पता हुआ क्या नहीं हुआ बट इतना पता है कि पाकिस्तान से एक लड़की अपने इंडियन के साथ आके शादी कर ली उसने बॉर्डर क्रॉस करके और वो इलीगली बॉर्डर से आ गई इलीगली आ गई हाँ इीगली पाकिस्तान से किसी तरह वो हाँ, इंडिया आ गई बिल्कुल आ गई हाँ और इंडिया आके उसने किसी एक इंडियन सिटीजन से शादी कर ली जिससे प्यार करती थी जिससे कि वो भी इंडियन सिटीजन बन गई तो ये मेजर क्रक्स होता है कि हाँ आपने अगर इंडियन सिटीजन से शादी करी है तो आप इंडियन सिटीजन बन गए अगर आपने कनेडियन सिटीजन से शादी करी है तो आप कनेडियन सिटीजन बन गए अगर आपने पाकिस्तान सिटीजन से करिए पाकिस्तान सिटीजन बन गए तो फिर अब तो आप कंट्री के हो गए भाई तो बात यही हुई थी मेरे ख्याल से सीमा हैदर आई थी उन्होंने कोई इंडियन लड़का था उससे प्यार में यू नो शादी कर ली और वो एक हवा बन गया इशू बन गया बट एट दी एंड शी इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया नाउ तो उस कोई तो कोई तो को लीगल लेजिटिमेट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है इफ़ यू गेट राइट ना आपने शादी कर ली तो कहते हैं ना प्यार हैज़ गॉट नो बाउंड्रीज तो वही वाला सीन हुआ है यहाँ <laughs> पर ऐसे जो इलीगली कभी आया है तो उसके ऊपर अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेते सकता हैं यार अब अपना अब, अगर उसे इंडियन सिटीजन नहीं बनते उससे पहले एक्शन होता तो हो जाता हाँ हाँ नहीं अगर उसके बाद भी हो सकता है अगर ये प्रूव हो जाए कि शी इज यू नो शी इज कनेक्टेड विद सम काइंड ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड है बट तो भी इलीगली वो वहाँ से आई ना हुँ, हुँ, हुँ. मतलब भले शी इज इनसेंट देन हाँ. वो अगर इलीगली इधर आई तो केस नहीं बनता यार बनता तो है बट वही है ना कि अब सिटीजन बन चुकी हैं मैडम प्यार में वो प्रूव कर चुकी है कोर्ट में केस हुआ भी था बट शी इज प्रूवन हर सेल्फ इनोसेंट कोई किसी से कोई भी लिंक नहीं है इसका तो उसको क्लीन चिट मिल गई डंकी मार क्या है यू सीन द मूवी

नेटफ्लिक्स पे द स्विमर्स अच्छा ऑफ मूवी नहीं मैंने नहीं सुनी सो so, दो सीरियन बहनों के ऊपर मूवी है जो सीरिया से ऐसे ही डंकी मार के जर्मनी जाती हैं क्योंकि सीरिया में टेररिज्म बढ़ जाता है हम दोनों ओलंपिक स्विमिंग के लिए ट्रेन कर रही होती हैं वो अपने सीरिया में नेशनल चैम्पियंस होती हैं उनके फादर बचपन से उन्हें स्विमर्स बनाते हैं इतना स्ट्रॉन्ग की तुम बनो और वो किसी तरह से इलीगली भागने की कोशिश करती सीरिया से और रेफ्यूजी बन के जो बनी जाती वो पूरा जो मूवी है वो उस पर है कि कैसे वो एक समुद्र पे लिटरली एक सी में जो राफ्ट होता है ना छोटा सा राफ्टिंग बोट होता है वो राफ्टिंग बोट से उन्होंने सी क्रॉस करी अच्छा एंड बीच में उन्होंने कितना स्विम किया कितने लोगों की कि जान बचाई तो वो इतना इंटेंस मूवी थी क्योंकि मैंने पहले वो देख ली तो मुझे ऐसा लगा कि इतना डेप्थ नहीं दिखा पाए डंकी में वो शॉकिंग था वो बहुत अच्छे से दिखाया है हम hmm. श्योर sure लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्री देखी होगी और बेटर देखा होगा hmm. बट उस मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया एंड देन वो दोनों लड़कियाँ जो होती है वो बाद में स्पेशल आई थिंक स्पेशल कंट्री जोन या स्पेशल कमिटीज या स्पेशल रेफ्यूजी करके कुछ एक जोन बनाते हैं तो ओलंपिक्स hmm. में रिप्रेजेंट करती हैं hmm. कि वो रेफ्यूजी को रिप्रेजेंट करती है द द स्विमर्स स्विमर्स छोटी सी मूवी है ज्यादा बड़ी भी नहीं यू शुड वॉच इट इट्स इट्स अ फन मूवी वेयर कि कैसे एक रेफ्यूजी ओलंपिक्स hmm. में जाती है एंड दिन रिप्रजेंट करती है आई थिंक शी शी शिवन मेडल्स एज वेल सो दैट्स द मूवी अबाउट वेल थैंक यू सो मच आपने बहुत सारी बातें बताई बहुत सारी कॉन्वर्जेसन करी थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग इस अबाउट लॉ अबाउट थिंग्स विच आर लीगल विच आर नॉट लीगल एंड कैसे बच सकते हैं कैसे एविडेंस कर सकते हैं हमको इमरजेंसी नंबर्स बताने के लिए कैसे लोग आपको रीच आउट कर सकते हैं वो नंबर बता देना हम भी इस पॉडकास्ट के नीचे डाल देंगे okay. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग योर एंड टॉकिंग टू अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम मैं आपके वीडियोज़ इन्जॉय करता हूँ सब इन्जॉय करते हैं आई होप पीपल विल इन्जॉय दिस पॉडकास्ट इज थैंक यू फॉर श्योर भाई प्लेजर इज ऑल यू सो मच फॉर इनवाइटिंग थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए हमें बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आप चाहते हो कि हम इसी तरह से इंडिया के टॉप लॉयर्स लाएँ और हर लॉ के बारे में बात करें जिससे आपको और आपके परिवार वालों को फ़र्क पड़ता है और आपको आपके राइट्स के बारे में बेहतर तरीके से पता चलता है तो कमेंट्स में बताओ कि कौन से ऐसे और लॉज़ हैं या कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है मिसकम्युनिकेशन है और वहाँ पर काफ़ी लोग गलत फ़ायदा उठा रहे हैं तो हम उस टाइप के लॉयर को ले कर और आपके सारे क्वेश्चन उनसे पूछेंगे ताकि आप मैं और हम सब साथ में एक बेहतर सिटीज़न बन सकें अनटिल द नेक्स्ट एपिसोड कीप फिगरिंग आउट बट बिफोर यू डू दैट ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करो जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा क्योंकि एक एपिसोड एक कॉन्वर्सेशन इज इनफ टू चेंज सम लाइफ लाइक सब्सक्राइब कॉमेंट एंड शेयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम